जय जिनेंद्र। नमस्कार, मैं ललित सराउगी आप सबका स्वागत करता हूं। आज 24 नवंबर है। यूं तो हर साल ही 24 नवंबर आता है, पर आज का दिन कुछ खास है, क्योंकि आज एक ऐसी प्रतियोगिता हो रही है जो विश्व में अपने आप में एक अनोखी प्रतियोगिता है, और इस प्रतियोगिता का नाम है हम साथ साथ। यूं तो प्रतियोगिताएं होती रहती है और ड्यूएट सॉन्ग स्टेज पे काफी प्रतियोगी गाते रहते हैं, लेकिन लाइव ऑनलाइन और संगीत के साथ ये प्रतियोगिता होना जो है अपने आप में एक काफी बड़ी बात है। और आज हम इसका सेमीफाइनल कर रहे हैं। आज ऑडिशन के द्वारा 20 जोड़ीदार चुन के आए हैं और इन 20 जोड़ीदारों ने काफी मेहनत की है। देश के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग कोने से 20 जोड़ीदार आए हैं। जैसा कि मैंने पोस्टर में भी लिखा है, पिता पुत्र की जोड़ी है, चाचा भतीजा की जोड़ी है, माँ बेटे की जोड़ी है, पति पत्नी की जोड़ी है, भाई भाई की जोड़ी है, भाई बहन की जोड़ी है, और देवर ननद भाभी की भी जोड़ी है। कई तरह की जोड़ियां आज यहाँ पर अपनी प्रतिभा को दिखाएंगी, और मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि आप सब इसका आनंद उठाएंगे। 7:03 हो गए हैं। हम हर प्रतियोगिता को अपने समय पे ही शुरू करने पे हम विश्वास करते हैं, इसलिए 7:03 हो गए, और 7:01 पे हमने प्रतियोगिता आज की सेमीफाइनल शुरू कर दी है। किसी भी शुभ काम को या किसी भी कार्य को करने के पहले हम अपने भगवान को याद करते हैं कि हे भगवान, हमारा ये कार्यक्रम, हमारा ये काम बहुत अच्छे से बिना किसी बाधा विघ्न के ये संपूर्ण हो। तो आज भी हम इस सेमीफाइनल की शुरुआत भगवान की आराधना मंगलाचरण करके करेंगे। और हमारे बीच में है इम्फाल से मोहित पांड्या और श्वेता जैन, ये जोड़ी आज मंगलाचरण करेगी, और मंगलाचरण के द्वारा हम भगवान को याद करेंगे। तो मोहित और श्वेता, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है, और आप मंगलाचरण शुरू करके इस कार्य की आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, बोलिए। महावीर भगवान की जय। सुलानंदनम प्रभु परमेश्वरम स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम।
कहता है दीवाने सोते नहीं, मैया त्रिशूला के जैसे सुलाते नहीं, मैया त्रिशूला के जैसे सुलाते नहीं। हे जगदेश्वरम मम हृदयेश्वरम, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम, कौन कहता है भगवान सुनते नहीं, गौतम स्वामी के जैसे सुनाते नहीं, गौतम स्वामी के जैसे सुनाते नहीं। ओम विश्वेश्वरम महावीरेश्वरम, ओम विश्वेश्वरम महावीरेश्वरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। मोहित और श्वेता बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शॉर्ट नोटिस में तुम दोनों ने बहुत अच्छी तैयारी की और भगवान निश्चित रूप से आ गए हैं, भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। संचय रिकॉर्डिंग के मोड पे जरूर डाल देना। सुरुचि अगर तुम भी मेरी आवाज सुन रही हो तो इसको रिकॉर्डिंग के मोड पे डाल देना। कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। मेरे पास में कुछ मैसेजेज आ रहे हैं कि आवाज में डिस्टर्बेंसेज है, तो आवाज ये निश्चित रूप से हमारी ओर से एकदम ठीक जा रही है, या तो आपके इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम होगी या फिर जहां से मोहित ने और श्वेता ने इम्फाल से गाया था वहां से भी इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम थी जिस कारण ऐसा हुआ, बाकी सारा चीज ओके है, हमने ये देखा है। और संचय रिकॉर्डिंग मोड पे आ गया है ना? हाँ, गुड, स्टार्टिंग से रिकॉर्ड हो रहा है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि आज 20 प्रतियोगियों को अपनी प्रतिभा दिखानी है, इस कारण से हमने, जैसा कि हम हर प्रोग्राम में काफी गेस्ट बुलाते हैं, और लेकिन हमने इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि काफी वक्त इसमें लग जाता है, 4 घंटे का प्रोग्राम करीब हो जाता है, तो हमने प्रोग्राम को बहुत ही कसे हुए ढंग से हमने इस प्रोग्राम को रखा है जिससे प्रतिभागियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले और आप सब इसका आनंद उठाए। लेकिन मैं 2-3 मिनट में जरूर लूंगा कि महारो कलकत्तो और वह जिंदगी का ये प्रयास रहा कि हम ऑनलाइन लाइव प्रतियोगिता कराते रहें, क्योंकि कोरोना काल ने कई हमें तकलीफ दी है लेकिन कोरोना काल से हमें कई फायदे भी हुए हैं। हम केवल नेगेटिव ही सोचते हैं लेकिन हमें कई फायदे भी हुए। हम अपने परिवार को समय दे रहे हैं, परिवार के संस्कार को सीख रहे हैं, जो बच्चे जिनके पेरेंट्स सुबह 8 बजे ऑफिस निकल जाते थे और रात के 10 बजे आते थे और बच्चा सुबह 9 बजे स्कूल जाता था और 6 बजे आता था, आपस में मुलाकात नहीं होती थी, तो सब ने आपस में एक दूसरे के साथ समय बिताया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसमें से एक बात ये भी है कि इंटरनेट के माध्यम से, जूम के माध्यम से या अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग आपस में जुड़ने लगे, ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल फायदा हुआ जिसका लाभ हम उठा रहे हैं कि हम देश की प्रतिभाओं को आप सबके सामने में ला रहे हैं, क्योंकि वह जिंदगी की कोरोना के कारण अभी शूटिंग बंद है तो कुछ ना कुछ हमें क्रिएटिव करना था, तो महारो कलकत्तो के साथ ये हमारी 5वीं प्रतियोगिता है। इससे पहले हम किसी से कम नहीं, एक से बढ़कर एक न जाने कितनी प्रतियोगिता आई, तुमसे लागी लगन और सब बहुत सफल हुई, तो ये कंसेप्ट आया कि क्यों ना हम
इस बार जोड़ीदारों की प्रतियोगिता लाई जिसका नाम है हम साथ साथ हैं, और इसका फायदा भी हुआ। गांव देहात के छोटे छोटे गांव से ऐसे ऐसी प्रतिभाएं सामने में उभर के आई जिनकी कला को लोग जानते नहीं थे। मैं उदाहरण दूंगा कि मुर्शिदाबाद जिला से एक लड़का कौशिक, उसका नाम शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, उसने अपनी प्रतिभा दिखाई, वो सामने में आया। ऐसे अनगिनत बहुत सारे कलाकार हैं जो आज हमारे सामने में उभर के आ रहे हैं, और खासकर हमारे आज जो दो जज भी हैं, मतलब वो भी हमारी प्रतिभा हमारे कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया और उनके गायन को हमने सुना जो वो अद्भुत रूप से गाय करते हैं। तो हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जो महारो कलकत्तों की जो तीन महिलाएं हैं, जो तीन महिलाएं दिन रात लगकर इन प्रतियोगिताओं को अपना एक अंजाम दे रही हैं, उनको एक बार सामने में फ्रेम में संचय लाया जाए। मैं चाहूंगा कि एक एक करके सबको लाया जाए। सबिता जैन को फ्रेम में लाया जाए। सबिता जो दिन रात लगी रहती है, जो सारे कार्यक्रम के पीछे लगी रहती है, यूं तो ये वह जिंदगी की एचआर और पीआर भी है, लेकिन इसने पूरे ढंग से वह जिंदगी और महारो कलकत्तों को दोनों को काम को समेटा है। सबिता को मैं सार्वजनिक रूप से धन्यवाद देता हूं। जय जिनहिंद। मैं सबिता जैन आप सबका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। आज के इस कार्यक्रम के जजेस को मैं धन्यवाद देती हूं। इस कार्यक्रम के सब स्पॉन्सर को मैं आभार प्रकट करती हूं। सभी प्रतियोगियों को शुभकामनाएं, सभी दर्शकों को धन्यवाद। जय जिनेंद्र। अब मैं चाहूंगा कि रेणु जैन को संचय फ्रेम में लेकर आए। रेणु की तबीयत आज ठीक नहीं है, ऐसा इसने मुझे बताया, और मैं भूलूंगा नहीं कि जब ये कोरोना से ग्रसित थी, इनके पति संजय जी भी जब कोरोना से ग्रसित थे, उस समय प्रतियोगिता हमारी सेमीफाइनल और फाइनल हुई थी। मैंने कहा था कि तुम आराम कर लो, लेकिन इसने कहा कि नहीं सर, प्रतियोगिता मुझे पूरी करनी है, और उस काल में इसने लगकर अपनी प्रतियोगिता को पूरा किया। रेणु, तुम्हें भी सार्वजनिक रूप से मैं धन्यवाद देता हूँ। जय जिनेंद्र सभी को, प्रतिभागियों के मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी दर्शकों को, सभी अतिथियों को मेरी, हम सबकी तरफ से बहुत बहुत आभार। जय जिनेंद्र। और संचय मैं चाहूंगा कि अब सुनीता जैन के ऊपर मैं स्पॉटलाइट करें। सुनीता को आज दो बुखार है और इसका गला भी खराब है, अब मैंने इसको आज 5 बजे भी कहा कि सुनीता तुम आराम कर लो और सारे काम हो जाएंगे, फाइनल तक स्वस्थ हो जाना, लेकिन इसने कहा कि नहीं सर, मैं अगर प्रतियोगिता में भागीदारी नहीं बनूंगी तो मेरी बुखार ठीक नहीं होगी, आप प्लीज मुझे परमिशन दीजिए। सुनीता, तुम्हारे इस काम के जज्बे को थैंक यू। जय सुनीता। जो भी दर्शक हैं और जो भी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगी हैं, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज ये नई प्रतियोगिता हमारे सामने आ रही है जो जुएज है, वाकई ये अलग अनोखी होगी, इसी शुभकामना के साथ जय जिनेंद्र। और हमारे इस सारे काम को हम जो एक एक सेकंड के जो क्लिप है, वो व्यक्ति या वो लड़का है संचय जैन। संचय, अपने ऊपर में कैमरा को जरूर फोकस करना। संचय के बिना हम अपने कार्यक्रम को नहीं कर पाते, ये सच्चाई है कि किस समय किस पे स्पॉट लाइट करना है। ये जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र सभी पार्टिसिपेंट्स को ऑल द बेस्ट एंड सभी गेस्ट को वेलकम। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे बीच में किसी भी कार्यक्रम को अगर हम संपन्न करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं खर्च होते हैं, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे पुरस्कार के रूप में हो या टेक्निकल रूप में हो, तो हमें स्पॉन्सर्स की जरूरत पड़ती है और हमारे इस काम में कंधे से कंधे मिलाते हैं। आज संजोग से वो उपलब्ध नहीं हुए जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर हो
होते हैं हमारे हर कार्यक्रम के, एवरग्रीन होजियारी के निर्मल जी बिंदायका और पुष्पा बिंदायका, लेकिन अभी आज उनका मेरे पास में फोन आ गया, किसी अर्जेंट काम के कारण वो आज इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले पा रहे हैं। हमारे निर्मल जी और पुष्पा जी, आपके अनुपस्थिति में भी मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप हमारे हर एक कार्यक्रम में टाइटल स्पॉन्सर के रूप में आप बन के आते हैं, हमें मजबूती देते हैं और हमें संबल प्रदान करते हैं। हमारे अगले स्पॉन्सर हैं सुरेश जी सेठी, काकीनाडा जूट मिल से सुरेश जी सेठी और नरेश जी सेठी। संचय, अगर उन्होंने लॉगिन किया है तो एक बार देख लो, ठीक है? तो वो हम देखते हैं। और हमारे अगले स्पॉन्सर है बंगाल में आयरन किंग के रूप से विख्यात, बहुत ही विनम्र, बहुत ही धैर्यवान और बहुत ही सज्जन, दिलीप गंगवाल और कौशिक गंगवाल। कौशिक गंगवाल के नाम से उन्होंने लॉगिन किया है और मैं चाहूंगा कि उनको स्क्रीन पे लाया जाए। दिलीप गंगवाल, बबीता गंगवाल, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम के एक स्पॉन्सर के रूप में आप शामिल हुए। यूं तो दिलीप जी का वह जिंदगी के जितने भी प्रोग्राम टीवी शो जाते हैं उनमें हर एक प्रोग्राम में मैं समझता हूं कि करीब अगर 95% टीवी शो जितने भी हमारे आए हैं उसमें दिलीप गंगवाल जी का स्पॉन्सरशिप निश्चित रूप से रहा है। बहुत विनम्र स्वभाव के ये पूरा परिवार है, आयरन के रूप में इनका परिवार गंगवाल आयरन के रूप में आज इन बंगाल ही नहीं भारत में इन्होंने अपनी एक पहचान बना रखी है। और आपको मैं और बबीता जी, आप दोनों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम में स्पॉन्सर के रूप में शामिल हुए। आप अपनी कुछ शुभकामना देना चाहें हमारे प्रतियोगियों को तो आप जरूर उनको अपनी शुभकामनाएं दें। सभी को जय जिनेन, जय जिनेन, सभी को सभी पार्टी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम को पूरा जो है दिलीप जी, बबीता जी, आप लोग पूरा देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। कौशिक नहीं आया, मैं कौशिक की भी प्रतीक्षा कर रहा था कि शायद कौशिक भी आएगा, लेकिन कौशिक मुझे दिख नहीं रहा। बहुत ही स्मार्ट बच्चा है और इसने एक बहुत ही अच्छे ढंग से व्यवसाय, काफी पढ़ा लिखा, विदेश से बहुत ऊंची डिग्री हासिल करने के बावजूद इसने व्यवसाय में अपने पापा को साथ दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इसी प्रकार वह जिंदगी से जुड़े रहे, आप लोग का पुनः बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। अब हमारे बीच में अगले स्पॉन्सर हैं जो काफी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, मैं पहले उनका नाम ले लूं जिससे कैमरा उनके ऊपर में फोकस हो जाए। महावीर जी लोहाड़िया, महावीर जी लोहाड़िया काफी धार्मिक व्यक्ति के रूप में ये माने जाते हैं, चाहे कोई भी संत हो, हर संत के साथ इनकी एक जो इनका जो एक समर्पण है वो समर्पण बहुत ही अलग ढंग से इनका समर्पण है। ऐसे आचार्य श्री विद्यासागर जी, आचार्य मुनि परमान सागर जी, आचार्य वर्धमान सागर जी का इनके ऊपर में विशेष रूप से आशीर्वाद है। श्रावक संस्कार हर साल आयोजित होता है, इस शिविर में भाई मुन्ना लाल जी पहाड़िया के साथ ये सम्मिलित होते हैं, उसको आयोजित कराते हैं। और मैंने कई सालों से इनको देखा है कि धार्मिक क्रियाओं के साथ साथ सामाजिक कामों को भी ये बखूबी अपनी जिम्मेदारी को एक जिम्मेदार व्यक्ति समझकर ये निभाते हैं। ये परिवार भी कलकत्ता के नम्र भद्र, मैं संपन्न नहीं कहूंगा, संपन्न तो होना बहुत बड़ी बात नहीं है, संपन्न तो हर कोई हो जाते हैं, लेकिन संपन्नता के साथ नम्र होना और भद्र होना, ये अगर दो आभूषण लग जाते हैं तो उस व्यक्ति की पहचान होती है। और ऐसी ही पहचान है महावीर जी लोहाड़िया की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपनी शुभकामनाएं हमें दें।
आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं महावीर जी, आप म्यूट हैं, आपको अनम्यूट करना होगा। संचय इनको, हाँ अब आवाज आ रही है। जय जिनेन्द्र, वाह जिंदगी एवं मारो कलकत्ता, ये प्रेरणा प्रिय ललित जी सरावगी ने अपने अनुपम प्रयास से कलकत्ता को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण बेलगोला में महाअभिषेक की जीवंत वीडियो बनाकर तो पूरे भारत में आपको प्रशंसा मिली। सोशल मीडिया द्वारा संगीत प्रतिभा का चयन एक नवीन एवं अनुपम प्रयास इस कोरोना काल में आपके द्वारा हो रहा है। एक बात इस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि पारसनाथ प्रोसेशन जो जुलूस निकलता है, उस जुलूस के अंदर में रविंद्र जैन, स्वर्गीय रविंद्र जैन जो कि भजन गाते थे जैन युवा संगठन में, और सबसे बड़ी बात है कि ताराचंद जी बड़जत्या की नजर उनके ऊपर पड़ी और उस भजन और उनकी प्रतिभा को देख कर उन्होंने बंबई बुलाया, उन्होंने राजश्री प्रोडक्शन में उनको काम दिया। आज पूरे भारत में, पूरी दुनिया में उनका नाम है। मैं जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं, 20 पार्टिसिपेट्स हैं, उसमें 10 का चयन होना है। आप 20 बहुत बढ़िया अपना परफॉर्मेंस दें और यह ना सोचें कि हम 10 में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, जो भी आएंगे सही आएंगे और आपको अपने लक्ष्य में सफलता मिलेगी। सादर जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी, सह परिवार भाभी जी, आपको, आप लोग हमारे इस कार्यक्रम में आए, मेरे बारे में इतनी बातें बोली। अब ये मैं तो नहीं जानता कि कितनी सच्चाई है, पर ये जरूर है कि इन बातों से हमें कुछ नया करने का हौसला मिलता है। अब कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हम कर तो देंगे, हमारे 20 प्रतिभागी अपनी प्रतिभा को दिखा तो देंगे, पर उनका आकलन भी तो हमें करना है या करवाना है, क्योंकि उनमें से ही जो 10 सर्वश्रेष्ठ होंगे उनका चयन फाइनल के लिए होगा जो 29 तारीख को होगा। आज हमारे बीच में 3 निर्णायक हैं, तीनों निर्णायक अपने आप में एक, मैं बोलूं तो एक स्तंभ है, अपने आप में एक संस्था है। मैं सबसे पहले कैमरा स्पॉटलाइट करने के लिए संचय को बोलूंगा कि अशोक सिंह जी के ऊपर में कैमरा स्पॉटलाइट संचय करें। आप हैं अशोक सिंह जी, इनके बारे में मैं शायद जितना बोलूं मुझे कम लगेगा, क्योंकि इन व्यक्ति का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। ये बंगाल में रहते हुए हिंदी भाषी को, हिंदी थिएटर को इन्होंने नया मुकाम दिया है। न जाने कितने थिएटर, कितने हिंदी नाटक का इन्होंने निर्देशन किया है और अपनी एक्टिंग भी इन्होंने की है। आज इनको हम बंगाल के हिंदी थिएटर का भीष्म पितामह कहें तो मुझे लगता है कि ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। यूं कई तरह की हिंदी, बॉलीवुड, टॉलीवुड की फिल्मों में इन्होंने अभिनय भी किया है। G5 में इनकी एक फिल्म अभी आ रही है, दावते बिरयानी, बंगाली कई फिल्म, अंतरध्यान जो अब रिलीज होने वाली है, और इरोज जो इतनी बड़ी कंपनी है उनके द्वारा भी कई फिल्में इनके द्वारा रिलीज हो रही है जिसमें इन्होंने अभिनय किया है। और अशोक जी वह जिंदगी के एक ऐसी आवाज है, इनकी आवाज की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म को फ्रांस में वह जिंदगी की इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का चयन किया गया था और इसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ आवाज के कारण उस फिल्म का उसका चयन हुआ था। तो अशोक जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। अशोक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी आपका, और आपसे जुड़ने का मौका मुझे आपकी उन्हीं फिल्मों के बदौलत मिला, और ये मेरा सौभाग्य था कि मैंने आपकी फिल्मों में आवाज़ दिया। आप बड़े कर्मठ इंसान हैं, बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े लगन से फिल्में बनाते हैं, और मैं आपका मुरीद हूँ, आपका फ़ैन हूँ, आप और आपकी कला का फ़ैन तो हूँ ही मैं, और एज अ पर्सन मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, और उसी का ये फल है कि आपका आदेश हुआ और मैं आपके सामने हूँ। और मैं सभी जितने भी प्रतियोगी हैं उन सबको अपनी शुभकामना देता हूं
और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय जिनेन्द्र। थैंक यू अशोक जी, आपका प्यार इसी तरह वाह जिंदगी के साथ बना रहे। और अब हमारे बीच में है, मैं अगर आसाम कहूंगा तो उनको बहुत छोटे से क्षेत्र में मैं उनको समेट लूंगा, मैं भारत ही कहूंगा कि भारत के जैन समाज के चर्चित प्रतिभावान गायक राकेश काला, जो गुवाहाटी के हैं, आसाम के हैं, और मैं उनसे प्रभावित, मैंने तो यूं इनके गाने कई बार सुना, काफी सुना, हमारी प्रतियोगिता में इन्होंने हिस्सा भी लिया और मुझे कई जगह इन्होंने मार्गदर्शन भी दिया कि ललित जी थोड़ा सा ऐसा हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो मैं राकेश जी का शुक्रगुजार हूं कि राकेश जी इस कार्यक्रम में जज के रूप में आए। कई तरह की उपलब्धियां इन्होंने हासिल की है, गुवाहाटी में जैन आइडियल हुआ उसमें ये इन्होंने कंपटीशन किया, दोनों में विनर रहे, और इसके पास इनको एक्चुअल में गाने का शौक बचपन से ही रहा, प्रोफेशन भले इन्होंने बाद में बनाया लेकिन इनको गाने का शौक बचपन से रहा। इनको मैं कई सालों से स्टेज पे मैं इनको गाते हुए देखता रहता हूँ और गाना गाने के साथ साथ ये एक्टिंग भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। गुवाहाटी के आसाम के दूरदर्शन सीरियल में भी जो है इन्होंने कई बार अभिनय किया है। तो राकेश जी आज आप जज के रूप में हैं और मैं जानता हूं कि आप निष्पक्ष ढंग से आप अपने निर्णय देते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ललित जी आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आपने मुझे इतना कठिन कार्य करने के लिए आमंत्रित किया। मैं शायद इस लायक तो नहीं हूं, पर जब आपने ये भार मुझे दिया है तो निश्चित तौर पे मैं अपने जितने भी काबिलियत हैं उसके अनुसार मैं अपना ये कार्य करूंगा। मैं आपको और वहां जिंदगी और भारो कोलकाता के सभी टीम मेंबर्स को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, और जिस तरह से आप ये कार्य करते आ रहे हैं बहुत ही सराहनीय, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। आप चाहे फिल्में बनाओ या अपने दिगंबर जैन के लिए आपने बहुत कुछ किया है, उनके ऊपर आपने छोटी छोटी फिल्में बनाई हैं, मुनिश्री के ऊपर बनाई है, हमारे मंदिरों के बारे में आपने बहुत कुछ बताया है आपके फिल्मों में। उनके अलावा इस लॉकडाउन पीरियड में जो आपने ये प्रतियोगिता का सिलसिला शुरू किया है, इससे हमारे मारवाड़ी समाज में बोलूंगा कि जो छुपे हुए कला थी वो उभर के बाहर लाने आप ला रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं आज, तो उसमें बहुत सारे प्रोफेशनल्स होंगे, वो सोखिया ढंग से गाते हैं लेकिन उनको कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला कि वो अपनी प्रतिभा को बाहर लोगों के सामने लाए। लेकिन आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हो ललित जी, क्योंकि वो छुपी हुई प्रतिभाओं को आप एक मौका दे रहे हो, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और लास्ट में मैं यही सभी प्रतियोगियों से कहूंगा कि बस आप अपना अच्छा दीजिए और अच्छा गाइए, और हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जजमेंट सही रहे। और एक लास्ट बात मैं कहूंगा, जो अगर फाइनल 10 में नहीं आए तो वो कभी भी निराश ना हो, उसी से सीख सीखिए कि कहीं शायद उनकी गायकी में या कहीं कुछ गलती रही होगी इसलिए वो फाइनल 10 में नहीं आए, तो बस उसी को आप करेक्शन कीजिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसे आप इतना आसान मत समझिएगा राकेश जी, 20 प्रतियोगी जो आए हैं ना, एक से बढ़कर एक है, और हम इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे कि इन 20 में से हम 10 को चुने, इसलिए ये भार हम लोगों ने आप तीनों के कंधे पे डाला। और जो तीसरे हैं जिनके कंधे पे डाला है वो तो बहुत ही विनम्र हैं, बहुत ही नम्र हैं, और मुझे तो लगता है कि वो इतने विनम्र हैं कि वो कहीं 20 को ही जो है फाइनल के लिए नहीं चुन ले। मैं उनका परिचय करा दूं, आलोक जैन बड़ौदा से।
ये काफी आलोक जैन है बड़ौदा से, मतलब इनसे मेरा पहला परिचय हुआ था जब ये हमारी एक प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया था, एक प्यार का नगमा है। उस दौरान, उसके पहले मैं इनको नहीं जानता था। उस प्रतियोगिता से इनसे मेरा ऐसा जुड़ाव हुआ कि ये न केवल गायन में बल्कि एक इंसान के रूप में भी मैं इनकी कद्र करता हूं। और सबसे बड़ी बात कि ये जिस परिवार से आते हैं उस परिवार ने दो दो जैन संतों को दिया है। इनके पिताजी छुल्लक श्री ज्ञान सागर जी महाराज जो अभी समाधिस्थ हुए, वो जो समाधिस्थ हो चुके हैं, इनके पिताजी छुल्लक श्री ज्ञान सागर जी महाराज थे और इनकी माताजी छुल्लिका श्री विश्व सिद्धि जी माताजी जो अभी विराग सागर जी महाराज के संग में हैं। तो ऐसे धार्मिक व्यक्ति का पुत्र होना गर्व की बात है। निश्चित रूप से वो संस्कार कहीं न कहीं आई जाते हैं, जो आलोक जी में ये संस्कार आए हैं। आलोक जी के संगीत के बारे में मैं बता दूं कि ये रविंद्र जैन जो हमारे देश के जैन समाज के सर्वोच्च गायक थे, जिसे दादू कहते हैं, उनको और साथ ही साथ किशोर कुमार को अपना ये गुरु मानते हैं। स्कूल कॉलेज में ही इन्होंने बहुत अनेक बार इनको सम्मानित किया गया है और इनके परिवार में साधु संतों के परिवार में होने के कारण आचार्य विद्यासागर जी, संभव सागर जी, विराग सागर जी, प्रज्ञा सागर जी, प्रसन्न सागर जी, पुलक सागर जी, ऐसी अनेक साधु संघ हैं जहां पर इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है। इसके अलावा कई कॉरपोरेट हैं, कई संस्थाएं हैं, लायंस क्लब, पेडिलाइट, रिलायंस, कई तरह के कार्यक्रम में इन्होंने जज की भूमिका भी निभाई है। तो आलोक जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं चाहूंगा कि आप जो प्रतिभागी हैं उनको आप अपनी शुभकामनाएं दें। सर्वप्रथम सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र, मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं हमारे आदरणीय मेरे बड़े भाई के समान हमारे ललित भाई साहब का तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि इतने अल्प समय की हमारी मुलाकात में इन्होंने मुझे इतना प्रेम दिया है, इतना वात्सल्य, ऐसा आशीर्वाद दिया है और आप सबके बीच में आज मैं उपस्थित हुआ हूँ, बस इनका ही प्रेम आशीर्वाद है और मैं चाहूंगा कि हमेशा ये जीवन पर्यंत बना रहे। और हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में भी सबकी जिंदगी, अगर वह जिंदगी बनी है हमारे जैन समाज में, तो वो एक शख्स है, वो एक नाम है, हमारे ललित भाई साहब। मैं बताऊं कि 5 प्रतियोगिता हुई है और 5 में जो एक परिवार जैसा माहौल बन गया, सबके जो ग्रुप बनते हैं और आपस में जो लोग शेयर करते हैं अपने गाने, अपने व्यूज, एक ऐसा परिवार जैसा लगता है, बहुत आनंद आता है। और उसी परिवार का एक मैं छोटा सा हिस्सा हूँ और भाई साहब, ललित भाई साहब को मैं बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे ही आप ये प्रशंसनीय कार्य, सराहनीय कार्य आगे करते रहे और हम सब जैन प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करते रहे, ऐसी मेरी भावना है। साथ ही आज के सभी जितने भी प्रतिभागी हैं उनको मेरा बहुत दिल से शुभकामना है। अपना बेस्ट दें, हार जीत के विचार से ऊपर अपना जो है गाने को एंजॉय करें। बहुत सारे मैंने देखे हैं कि जो रिपीट प्रतिभागी भी हैं इस कार्यक्रम में, बहुत उम्र का कोई मतलब, एज इज जस्ट अ नंबर, उन्होंने दिखाया है और बड़े ही जुनून के साथ गाते हैं। तो आज भी वैसा ही प्रदर्शन हम सब देखेंगे और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच रेद भाई साहब। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र आलोक भाई। और आलोक भाई, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली जो मैं कहना नहीं चाह रहा था क्योंकि कहने से खुद की बड़ाई हो जाती है, लेकिन मैं ये बात जरूर बोलूंगा। पिछली 5 प्रतियोगिताओं से करीब 1300 प्रतियोगी हमारे साथ जुड़े और 1300 प्रतियोगियों का हर करीब 12 या 13 अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, फाइनल, सेमीफाइनल और
जनरल ग्रुप, आज सारे प्रतियोगी उससे जुड़े हुए हैं। भले उन्होंने प्रतियोगिता में कोई स्थान नहीं प्राप्त किया, आज 1300 लोग बिना किसी विवाद के, बिना किसी भेदभाव के आज ये 6-7 ग्रुप से जुड़े हुए हैं। ये जरूर मैं वह जिंदगी और महारोगों की उपलब्धि मानता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस मैं कुछ जो नियम है वो नियम मैं बता देता हूँ। और उसके पहले कई जो नए लोग हैं जो वह जिंदगी को नहीं जानते हैं, मैं चाहूंगा कि संचय अपनी 1 मिनट की जो वह जिंदगी की फिल्म है उसको आप जरूर चलाएं। वह जिंदगी एक अद्भुत और लोकप्रिय टेलीविजन शो जिसने अपने 325 एपिसोड प्रसारित कर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। वह जिंदगी कई तरह के टीवी शोज लेकर आता है जिसमें प्रमुख है मंदिर दर्शन, जिसके द्वारा करीब 300 जैन मंदिरों के दर्शन आपने घर बैठे किए हैं। एक दिन गुरुदेव के साथ इस शो के द्वारा आप सुनते और देखते हैं जैन साधु संतों की कहानी उन्हीं की जुबानी। संरक्षण, इस कार्यक्रम में जिन क्षण होते जैन मंदिर एवं धरोहरों पर फिल्म बना के दिखाई जाती है जिससे उन्हें संरक्षण मिल सके। आत्मकथा, इसमें हम देखते हैं उनकी आत्मकथा जिन्होंने संघर्ष और मेहनत कर अपनी जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। जैन रत्न, इस अनूठे टीवी शो के द्वारा देश विदेश की जैन प्रतिभाओं से आपका परिचय कराया जाता है। इसके अलावा वह जिंदगी कई सामाजिक संस्थाओं पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म, कॉरपोरेट फिल्म आदि का भी निर्माण करता है। अगर आप इन विषयों पर फिल्म बनाकर पारस टीवी के माध्यम से लाखों दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। ललित सराउगी 9331722031, सबिता पाटनी 9038348983। तो अब आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लेके भगवान का नाम लेके प्रतियोगिता को शुरू की जाएगी। और प्रतियोगिता के जो नियम है जो मैंने ग्रुप में भी छोड़े हैं, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं सार्वजनिक रूप से उन नियमों को आपको बता दूं जिससे हमारे जजेज भी उन नियमों को सुनेंगे और आप जितने भी प्रतियोगी हैं आप भी इन नियमों को सुनेंगे। हर प्रतियोगी को 4 मिनट का समय दिया जाएगा। 4 मिनट शुरू होने के निर्देश के पहले, जैसा कि 4 मिनट जब शुरू होगा तो उनको बोला जाएगा कि अब आपका समय होता है शुरू, उसके पहले 15 सेकंड का उनको एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा जिसमें उनकी आवाज और संगीत को हम सुन सकें कि सही रूप से है या नहीं है। और एक बार जब हमें लगा कि ये परफेक्ट है तो 4 मिनट का समय आपका शुरू हो जाएगा। और 4 मिनट के बाद, मतलब 4 मिनट का समय जैसे ही शुरू हो गया और 10-15-20 सेकंड के बाद कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम अगर आ जाती है वो जिम्मेदारी हम नहीं उठा पाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि आपका 4 मिनट समाप्त होगा, भले आप नहीं दिख रहे हो, भले आपकी आवाज नहीं आ रही हो, लेकिन आपका 4 मिनट काउंट हो जाएगा। आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, चाहे आपका 10 सेकंड का ऑडियो जाए या 30 सेकंड का जाए या 50 सेकंड का जाए, क्योंकि अगर हम 30 सेकंड वाले को मौका देंगे तो नैतिक रूप से हमें 40 सेकंड वाले को भी देना होगा। यूं करते करते हम सबको देंगे और हमें ये मौका आप किसी को नहीं देना। इसके लिए ही आप सभी से वाकायदा एक रिहर्सल कार्यक्रम भी कराया जा चुका है। आपको करो के वाद्य यंत्र या किसी अन्य साधन के द्वारा संगीत के साथ ही गाना है, बिना संगीत के गाने की आपको इजाजत नहीं होगी। अगर आपका इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा है और आप बोलेंगे, अगर आपने शुरू कर दिया 10 सेकंड बाद आपका म्यूजिक बंद हो गया और आप हमें बोलेंगे कि हमें समय दीजिए, हम दोबारा ठीक करते हैं, वो हम नहीं दे पाएंगे।
इसलिए अभी वक्त है सभी अपनी तैयारियों को पूरा का पूरा अपडेट करके रखें। आज हमारे इस सेमीफाइनल में तीन जज हैं और वो आपके चार मिनट के गाने को सुनेंगे और वो आप कैसा गा रहे हैं, आपकी आवाज कैसी आ रही है, आपके म्यूजिक कैसा है, आपके शब्द कैसे हैं, आपके प्रोनाउंसिएशन कैसे हैं, आपके हाव भाव कैसे हैं, इन सारे चीजों को मस्तिष्क के द्वारा वो मूल्यांकन कर 1 से 100 के अंदर में आपको नंबर देंगे। और ये जो 1 से 100 के भीतर में जो आपको नंबर देंगे, एक हमने एक ग्रुप बना रखा है जज सेमीफाइनल, उसके अंदर में जैसे ही आपका 4 मिनट पूरा हो जाएगा, जैसे मेरा नाम ललित सराहोगी हो गया और मेरी पत्नी का नाम अनीता सराहोगी, तो ललित सराहोगी अनीता सराहोगी कलकत्ता, अशोक सिंह है अगर उनको 70 देना है तो वो 70 लिख के उस ग्रुप में छोड़ देंगे, राकेश जी ने 55 दिया है तो दोनों का नाम लिख के 55 छोड़ देंगे, आलोक जी ने 67 दिया है तो आलोक जी 67 करके छोड़ देंगे। हमारे 3 लोग इस ग्रुप में लगे हुए हैं, वो तीनों इनके नंबर को जोड़कर कि किसको कितने नंबर मिले, उसके आधार पर जो 10 सर्वश्रेष्ठ जिनको अंक आएंगे वो फाइनल के लिए चुने जाएंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि फाइनल में प्रथम प्रतियोगी को 5100 रुपया, द्वितीय को 3100 रुपया और तृतीय को 1100 की राशि से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा 3 आकर्षण हमने और रखा है, मैं आज इस पे जरूर जोर दूंगा कि जो आप फाइनल में जाते हैं वो आप इसको ध्यान रखेंगे कि अद्भुत जोड़ी, मतलब एक अद्भुत जोड़ी का हम चयन करेंगे जो बिल्कुल अच्छी वेशभूषा में, जैसे राजा रानी या बंजारन के रूप में या फिर किसी और रूप में, मॉडर्न जींस पैंट या कुछ भी बहुत अच्छे रूप में, जिसने दोनों ने एक जोड़े ने पहना हो उस तरीके के ड्रेस में जो अपनी भूमिका, जो अपनी प्रस्तुति देंगे उनका एक चयन होगा। दूसरा है लोकप्रिय जोड़ी, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो नहीं आए पर उनके गाने को हम लोगों ने काफी पसंद किया और हमें लगा कि नहीं इन्होंने भी बहुत अच्छा गाया लेकिन जज के अंकों के नियम के अनुसार वो नहीं आए, तो एक जोड़ी को हम लोकप्रिय जोड़ी के हिसाब से हम चयन देंगे। और एक तीसरा है हंगामेदार जोड़ी, जो काफी झूम झूम के मस्ती में गाना गाएंगे, कई तरह की थीम है, कई उन थीम पे वो झूम झूम के मस्ती में गाएंगे, तो वो जोड़ी हो गई हंगामेदार जोड़ी। इन सबको भी 1100-1100 की राशि से सम्मानित किया जाएगा। फिल्मी गाने किसी भी सूरत में अश्लील या आइटम सॉन्ग नहीं होंगे और मैंने बार बार कहा है कि कोशिश कीजिएगा कि पुरुष जोड़ीदार, अगर पुरुष और पुरुष मेल और मेल है तो वो मेल ड्यूएट को ही गाए और फीमेल और फीमेल है तो फीमेल ड्यूएट को ही गाए और महिला फीमेल है, महिला और पुरुष है तो वो जेंट्स और लेडीज के डुएट को गाए। ऐसा नहीं हो कि महिला और पुरुष के गाने को 2 जेंट्स गा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से जज अंकों के ऊपर में निश्चित रूप से वो एक मार्किंग देंगे। माइक का इको बिल्कुल मत रखिएगा, माइक में इको मत आने दीजिएगा, इको से आपकी आवाज सुधरेगी नहीं बल्कि खराब ही होगी। इंटरनेट के द्वारा इको की जो आवाज आती है वो आवाज क्लियर नहीं आती है, इसलिए आप सभी अपने माइक के इको को 0 वॉल्यूम पे कर लीजिएगा। मैंने रिहर्सल में भी बताया था कि बेहतर होगा कि आप लोग लैपटॉप का प्रयोग करें, लैपटॉप के प्रयोग करने से आप जोड़ीदार पूरे के पूरे हमें दिखेंगे और किसी कारण से लैपटॉप का प्रयोग नहीं कर रहे तो आप मोबाइल को यूं रख लें, यूं रख के आप दोनों जोड़ीदार हमें दिखेंगे। हर हालत में निर्णायकों का निर्णय ही मान्य होगा, जो जजेज ने दिया, जो वाह जिंदगी और महारो कलकत्तों ने जो निर्णय लिया यही फाइनल माना जाएगा, किसी भी तरह का इसमें कोई विवाद या गुंजाइश इसमें नहीं है।
फाइनल में देश के प्रसिद्ध लोग मेहमान होंगे और मैं आज वो घोषणा कर देता हूँ कि देश के दो प्रसिद्ध लोग फाइनल में मेहमान के रूप में आ रहे हैं। भारत ही नहीं दुनिया की नंबर 1-2 मानी जाने वाली फाइनेंशियल कंपनी मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन मोतीलाल ओसवाल और दुनिया की छठी खदान कंपनी और भारत की पहली खदान कंपनी वेदांता के डायरेक्टर श्री तरुण पाला, इन दोनों ने अपना कंफर्मेशन दे दिया है। और भी हमारी एक दो लोगों से बात चल रही है, तो फाइनल में कई प्रसिद्ध लोग रहेंगे, इसलिए आप जो फाइनल में जाते हैं उस वक्त मैं चाहूंगा कि आपका बैकग्राउंड, आपका पहनावा ये सलीके से होना चाहिए। और लास्ट में एक दर्शकों से मैं कहूंगा कि कई लोग मुझसे नंबर जानना चाहते हैं, अगर जो नए जिनके पास मेरे नंबर सेव है ठीक है, और जो नए हैं वो मेरे नंबर को सेव कर ले। हमारी प्रतियोगिता फिर कुछ दिनों बाद एक नई प्रतियोगिता आएगी, मेरा नंबर है संचय तुम भी लिख के दे देना 9331722031 9331722031, ये मेरा नंबर है। मेरे नंबर को सेव कर आप अपना नाम, अपने शहर का नाम मुझे व्हाट्सएप जरूर कर दे, मैं आपके नंबर को सेव कर लूंगा, जिससे आगे आने वाली हमारी प्रतियोगिता के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो हम भगवान का नाम लेके पुनः भगवान को स्मरण करके हम प्रतियोगिता को शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं सविता चाहूंगा कि दो नाम की घोषणा कर दो, और जो हमें जो दो जोड़ीदार है उन दो नाम की घोषणा कर दो। मनीष कुमार जैन एंड अमित कुमार जैन छिंदवाड़ा। और दूसरा नाम भी बोल दे। शैलेंद्र संगाई, श्रुति सिंघी, रायपुर। तो शैलेंद्र सिंघी, श्रुति सिंघी, रायपुर। अब हम बुलाने जा रहे हैं मनीष जैन और अमित जैन जो छिंदवाड़ा से हैं, और उसके बाद जो आएंगी वो शैलेंद्र जैन और श्रुति जैन हैं रायपुर से। मनीष जी और अमित दोनों आपस में दोस्त हैं, और दो दोस्तों की जोड़ी देखते हैं कि क्या रंग लाती है। और उसके बाद जो है पिता और बेटी शैलेंद्र और श्रुति, ये रायपुर से हैं, इनकी जोड़ी हमें क्या दिखाती है ये हम देखेंगे। तो मनीष जी और अमित के ऊपर में कैमरा स्पॉटलाइट किया जाए, और फिर सुनीता के ऊपर में किया जाए। हाँ मैं तैयार हूँ। मेरा वीडियो पहुंच जा रहा है क्या, मेरा ही आ रहा है या आप लोग सब दिख रहे हैं? हम लोग को ही पहुंच दिख रहा है। मनीष जी आपका वीडियो नहीं आ रहा है। यहाँ तो दिख रहा है सर। इंटरनेट का थोड़ा हम लोगों को तो हम दिखाई दे रहे हैं। आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी हम लोगों को हम दिख रहे हैं यहाँ से। हाँ आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी लो है इसलिए अटक अटक के आ रहा है। हाँ अब हाँ दिख गया है मनीष जी। सुनीता इनसे आप अपनी आवाज सुना दें, मनीष जी और अमित जी। मनीष जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आपकी आवाज में प्रॉब्लम है, आपकी आवाज गूंज रही है। और अमित आप अपनी आवाज सुना दें। जय जय हाँ आप लोग तैयार हैं? जी हाँ सुनीता आपका समय शुरू होता है अब।
सुनीता इनका समय काउंट हो रहा है। जी आप अपना गाना पूरा कीजिए, मैं आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैंने आप मनीष जी आपका समय समाप्त हो गया। और मनीष जी हमने आपको, मुझे अफसोस है कि इतनी तैयारी कराने के बाद, रिहर्सल वगैरह कराने के बाद भी आप लोगों ने मेरी बात को शायद ध्यान नहीं दिया या जिम्मेदारी से आपने नहीं ली। आपकी आवाज साफ नहीं थी, आपका ऑडियो सिस्टम एक दिन ही खराब था, आपका इंटरनेट भी आपको धोखा दे रहा था, आपका ऑडियो और वीडियो दोनों ही गड़बड़ था, और हम लोगों ने रिहर्सल कराई थी इसी के लिए। खैर अब तो जज ने जितना आपके गाने को सुना है वो बिल्कुल निश्चित रूप से वो अपनी आवाज आपको अपने अंक देंगे। और अब मैं चाहूंगा कि रेनू के पास जाए। हम जो अगले पार्टिसिपेंट है शैलेंद्र और श्रुति जैन रायपुर से, मैं चाहूंगा कि उसके पहले आप दो नाम बता दें जिससे वो अपनी तैयारी कर लें। राजश्री बरजात्या,
नीता पाटोदी गिरिडीह। विनीता जैन और विवेक जैन कोलकाता। मेरा आवाज आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रही है आवाज। और अब मैं चाहूंगा कि रायपुर से शैलेंद्र जैन और श्रुति जैन, पिता पुत्री की जोड़ी है और बहुत अच्छा गाती है, देखते हैं आज क्या करामत दिखाती है। सर मेरी आवाज आपको आ रही है? मैं शैलेंद्र संघी, जय जिनेंद्र। हाँ, आ रही मैं श्रुति संघी जैन। हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सुनीता आप अपना काम शुरू करें, आपका समय शुरू होता है। छुप गई सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। छुप गई सारे नजारे, क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। मुझे न बुलाना कि मारेगा ताना जमाना। कल नहीं आना मुझे न बुलाना कि मारेगा ताना जमाना। तेरे होठों पे रात ये बहाना था, ओ गोरी तुझको तो आज नहीं आना था। तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात गई। तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई। मैंने छोड़ा ज़माना तेरे साथ हो गई। मैंने छोड़ा ज़माना तेरे साथ हो गई। ओ तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। चलिए आप लोगों का गाना पूरा हुआ, गाने पे मेरे कोई कमेंट नहीं आएंगे, ये सारे काम जज के हैं। लेकिन इंटरनेट आपका ठीक रहा, इंटरनेट ने आप लोगों को धोखा नहीं दिया। अब हम चलेंगे गिरिडीह, राजश्री परजातिया और नीता पाटोदी गिरिडीह।
और उसके बाद कोलकाता से विनीता जैन और विवेक काला आप तैयार हैं। आप अपनी आवाज को एक बार हमें सुना दें। आप म्यूट हैं। नहीं, आवाज कमजोर है आप लोगों की। और आवाज बढ़ाइए, वॉल्यूम और बढ़ाइए। आवाज कमजोर है आप दोनों की, आवाज कमजोर है। 15 सेकंड का समय दिया गया है, इसके बीच में आप तैयारी कर लें। आपका 15 सेकंड का समय हो गया। सुनीता आप अपना काम शुरू करें। आपका समय शुरू होता है अब। Thank you.
आप लोग का समय समाप्त हो गया और आप दोनों का समय समाप्त हो गया। जजों ने आपको नंबर भी दे दिए, आपके नंबर लॉक हो गए। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी आप लोगों की, आपके नंबर लॉक हो गए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शुरुआत में मुझे लगा कि शायद आप लोगों धोखा खा जाएंगे, म्यूजिक और संगीत आपको साथ नहीं देगा, लेकिन आप लोगों ने धैर्य रखा और मौके को संभाल लिया। यही होना चाहिए प्रतियोगिता में कि अगर हम लड़खड़ा भी जाते हैं तो अपने हौसले को बना के रखें जिससे हम पिछड़ नहीं जाए, और वो आप दोनों ने बखूबी रूप से किया। साथ सज्जा भी बहुत अच्छी रखी हुई थी आप लोगों ने। मैं इतनी बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके पॉइंट्स लॉक हो गए और इससे दूसरे प्रतियोगियों को प्रेरणा मिले कि अगर वो लड़खड़ा भी जाते हैं तो वापस रेस में आने से वो अपने को रोके नहीं। अब हम जाएंगे कोलकाता के विनीत जैन, विनीता जैन और विवेक काला पर। उसके पहले मैं चाहूंगा कि सविता आप दो नाम और बता दें जिससे वो तैयार रहे। हम पूरा समय दे रहे हैं आपको तैयार होने के लिए, इसलिए हम दो दो नाम ले रहे हैं कि आप तैयार हो जाएं। धीरज झुंझुनवाला, विनोद दोड़िया, कोलकाता। धीरज झुंझुनवाला और विनोद दोड़िया, और अगला नाम बताइए आप। राज पाटनी एंड अर्पित पाटनी, छिंदवाड़ा। राज पाटनी तो अब हम चलेंगे कलकत्ता की ओर जहां माँ और बेटे की जोड़ी इंतजार कर रही है, विनीता काला और विवेक काला कोलकाता। देखते हैं क्या हंगामा मचाते हैं, क्या सुनाते हैं। आप लोग अपनी अपना नाम बोल दें जिससे आपके आवाज को हम सुन लें। मैं विनीता जैन। मैं विवेक जैन। विनीता जी आपके माइक में इको ज्यादा है, थोड़ा सा इको कम करने का कोशिश कीजिए। जी ठीक है। सुनीता अब आप अपना काम करें। आपका समय शुरू होता है अब। आप लोग की आवाज नहीं आ रही है, कमजोर हो गई है आप लोगों की आवाज। मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं एक बार जरूर आगाह कर दूं कि आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, न म्यूजिक आ रही है। मैं
कब जाना, कहाँ नींद गई मेरी रातों की, राग फिरती हूँ फिर भी चांदनी बनता नहीं, हो दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, यही प्यार है। हाँ यही प्यार है। विनीता जी, विवेक, अगर मेरी आवाज आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग की आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, न म्यूजिक आ रहा है न आपकी आवाज आ रही है। आपका समय समाप्त होता है। विनीता जी और विवेक, मेरी आवाज को सुने। जजों का पहले मैं देख लेता हूं कि जजों ने आपको क्या पॉइंट्स दिए हैं। हाँ, जजों ने आपके पॉइंट्स को लॉक कर दिया है। आप लोग शुरुआत में आप लोगों ने करीब आधा मिनट तक आप लोगों की आवाज, बैकग्राउंड म्यूजिक दोनों ही आ रहा था। आधा मिनट के बाद आपकी आवाज और बैकग्राउंड म्यूजिक धीरे 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 कम होते 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 पूरा ही समाप्त हो गया। और नैतिकता के नाते ये मेरा दायित्व था कि मैं आपको बीच में रिमाइंडर दूं। मैंने 3 बार आप लोगों को रिमाइंडर भी दिया कि आप लोगों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। 30 सेकंड मैं समझता हूं कि शायद जजों ने आपकी आवाज को सुना है, और अब जजों ने 30 के हिसाब से आपको क्या अंक दिए हैं वो तो लॉक हो गए हैं, मैं अभी देख नहीं पा रहा हूं। लेकिन मैं बाकी प्रतियोगियों को यह कहना चाहूंगा कि जिस समय वो अपना प्रदर्शन दे रहे हैं उस समय होस्ट की आवाज, मेरी आवाज को भी जरूर सुने, या नहीं हो तो अपने परिवार वालों को बोलें कि एक मोबाइल पे वो लॉगिन करें और मेरी आवाज को सुने कि मैं उन्हें क्या बोल रहा हूं, और जाके उनको कम से कम बताएं कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम लोग कोई प्रोफेशनल नहीं है, हम सभी परिवार के लोग हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि किसी के मन में यह दुख या धोखा नहीं रह जाए। एनीवे, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम जाएंगे धीरज झुनझुनवाला और विनोद डरोलिया कोलकाता, और उसके बाद राज पाटनी और अर्पित पाटनी, चाचा भतीजे की जोड़ी छिंदवाड़ा से, तैयार रहिएगा। अपनी आवाज सुना दे दोनों आप लोग एक बार। हेलो, एक एक करके बोलें, मुझे इको ज्यादा लग रहा है। आप विनोद जी पहले आप बोलें। मैं विनोद डोलिया, और आपकी आवाज में इको ज्यादा है। विनोद आप बोले, ये धीरज आप बोले। मैं धीरज झुनझुनवाला। धीरज जी की आवाज फिर भी ठीक है। विनोद जी आपके माइक में इको है। अगर सिस्टम एक ही है तो मैं नहीं कह सकता, बाकी अगर ठीक हो सकता तो आप ठीक। हाँ, आप ठीक मेरे को लग रहा है। सुनीता आप अपना आप शुरू करें। आपका समय शुरू होता है अब। ओ
स्टार्ट है इसमें, कनेक्ट करो, कनेक्ट खुल गया इसमें, कनेक्ट तुम कर, तुम नहीं कर रहे थे, हम क्या कर रहे हैं इसमें कनेक्ट किया, पहले बोल रहा था मैं वहां पे, समझ गया, अब उस समय से बोल रहा था, इसको बंद करके ऑफ कीजिए, तो टाइम ही चला जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, आपका समय शुरू हो चुका है, ये ध्यान रखिएगा, एक मिनट से ज्यादा का टाइम आप लोग का चला गया है। कनेक्टेड है, वॉल्यूम नहीं आ रहा इसमें। एक काम की देखे भैया, तेरा वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम है, इससे वॉल्यूम पे कभी ममता की प्यार की गंगा की जो चिट्ठी आती है साथ बुलाती है मेरे दिन बच्चे बन के रेल वो आंगन के साया आंचल का बटी का जल का बुलोरी रातों में उडलती मातों मोहब्बत अंदर से करे वो देवी माँ यही नफ़त में पूछे मेरी माँ के घर कब आओगे के घर कब आओगे लिखो कब आओगे के तुम बिन ये घर सुना सुना है आते हैं हमें तड़पा कि तुम बिन ये घर सुना सुना है आपका समय समाप्त हो गया और आप लोगों ने अपनी प्रस्तुति देने के लिए बहुत मेहनत की। मैं पहले देख लेता हूं कि आपके पॉइंट्स लॉक हो गए। हाँ, आपके पॉइंट्स लॉक हो गए, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि आप लोगों ने प्रस्तुति देने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत तैयारी की, लेकिन कई बार कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, जो कमी शुरुआत में आप लोगों की रह गई थी, बाद में आपने संभाला और संभालने की कोशिश की। चलिए कोई बात नहीं है, अब देखते हैं, जजेज आपको नंबर दे चुके हैं ऑलरेडी, और अब हम चलते हैं छिंदवाड़ा के राज पाटनी, अर्पित पाटनी के पास जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम चाहेंगे रेनू आप अगले नाम हमें दो बता दें।
दिव्या बगरा, मुकेश कुमार बगरा, सुजानगढ़। खुशबू बोरा, मयूरी तोशनीवाल, इच्छल करंजी। तो अब चलते हैं छिंदवाड़ा। अर्पित पाटनी और राज पाटनी। आप लोग अपनी आवाज सुना दें एक बार, अपना अपना नाम बोल दें जिससे आपकी आवाज सुन लें। जय जिनेंद्र, मैं राज पाटनी। जय जिनेंद्र, मैं अर्पित पाटनी। ओके, आप लोग की आवाज ठीक है। सुनीता आप एक करें। एक मिनट रुकिएगा, एक सेकेंड। ओके हाँ जी, हाँ स्टार्ट करें। आपका समय समय होता है अब। अनेचारे दुश्मन दमाना हमारा, अनेचारे दुश्मन दमाना हमारा, सलामत रहे तो ठिकाना हमारा, सलामत रहे तो ठिकाना हमारा, चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे तो ठिकाना हमारा, अरे चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे तो ठिकाना हमारा। ओ ख्वाबों के दिन, ओ किताबों के दिन, ओ ख्वाबों के दिन, ओ किताबों के दिन, सवालों की रातें, जवाबों के दिन, कई साल हमने गुजारे यहाँ, यही साल तेरे हुए हम जवान, हुए हम जवान, बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे तो ठिकाना हमारा, अरे चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे तो ठिकाना हमारा। ना बिछड़े मन के भी हम दोस्तों, ना बिछड़े मन के भी हम दोस्तों, हमें दोस्ती की कसम मुझे तो कहते हैं हम, एक दूसरे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम, नहीं और कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे तो ठिकाना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे तो ठिकाना हमारा। धन्यवाद, थैंक यू। आपका चार मिनट के पहले ही आपका
गाना समाप्त हो गया। आपकी तरफ से आवाज म्यूजिक सारा ठीक था, बाकी अंक जज क्या देंगे आपको, ये जजों ने आपके अंकों को लॉक कर दिया है और जजेज ने आपके अंकों को दे दिया। बाकी आपकी तरफ से इंटरनेट भी सही था, म्यूजिक भी सही था और आवाज भी एकदम साफ आ रही थी, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहा और ऐसा होना भी चाहिए। बाकी प्रतिभागियों से मेरा बार बार निवेदन है कि आपका जब तक नाम नहीं आ रहा है आप इन चीजों को जरूर से कोशिश करें। अब हम चलते हैं राजस्थान, जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जहां पर पिता और पुत्री की जोड़ी इंतजार कर रही है, मुकेश बगड़ा और दिव्या बगड़ा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, हाँ बिल्कुल आ रही है। धन्यवाद। आपका समय शुरू होता है अब। बाहों के दरमिया दो प्यार मिल रहे हैं, जाने क्या बोले मन डोले तुम के बदन धड़कन बनी जुबान, Thank you.
जाने क्या बोले मन डोले से धड़कन समय समाप्त होता है। चलिए समय आप लोगों का समाप्त हो गया। जब जब सुजानगढ़ का नाम आता है तो लाडनू सुजानगढ़ की खटाई पाचक जो कहते हैं वो मुझे याद आ जाती है। और आप लोग को देख के तो लग रहा है कि सुजानगढ़ में काफी ठंड पड़ रही है, जैसा कि आपने परसों बताया भी कि 5 डिग्री ठंड है। कलकत्ता में तो आज ठंड है लेकिन अभी भी पंखा हल्का हल्का हम लोग चला रखे हैं। तो कई तरह की जोड़ियां आ रही है, पिता पुत्री की, माँ बेटे की, चाचा भतीजे की, दोस्त की, मतलब कई तरह की जोड़ियां हमें देखने को मिली। आगे अभी और कई जोड़ियां बाकी है। अब हम जाएंगे इच्छा करण जी के, खुशबू मयूरी के पास। उसके पहले सविता आप दो नाम बता दें। कल्पना जागीदार एंड कामना लोधा पुणे। कृति विशाल पाटनी एंड सुशील गंगवाल औरंगाबाद। तो हम चलते हैं अब खुशबू मयूरी इच्छल करण जी। आप लोग अपनी आवाज को सुना दें। आवाज एक बार आप लोग अपना अपना नाम बोल दें। मैं खुशबू मयूरी। थोड़ी सी आवाज कट रही है, इको भी है और आवाज भी कट रही है। अगर आप लोग नहीं, वॉल्यूम बढ़ाने से नहीं होगा। आवाज में एक तो इको है, एक आप लोग की आवाज इंटरनेट के कारण मेरे को लग रहा कट के आ रही है। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों का नाम पूछ लेता हूं। आप थोड़ा सा नजदीक आ जाइए। हाँ, खुशबू होरा। हाँ, इचल करण जी। हाँ ठीक है, अब आवाज ठीक आई। और आपका नाम? मयूरी तोशनीवाल। ठीक है, अब ठीक हुआ है। सुनीता आप अपना काम कीजिए। आपका समय शुरू होता है। Thank you.
आप लोग की आवाज चली गई, म्यूजिक भी चला गया। आप लोग का समय भी समाप्त हुआ और आप लोग के पॉइंट्स भी लॉक हो गए। जजेज ने पॉइंट्स आपके लॉक कर दिए हैं। आप लोगों ने पीछे बहुत ही अच्छा गेटअप रखा, बाकी पॉइंट्स जजेज ने आपको दिए हैं और जिनकी अच्छाई होती है मैं जरूर तारीफ करता हूं, क्योंकि भले वो फाइनल में जाएं या नहीं जाएं लेकिन अगली प्रतियोगिता के लिए उनमें हौसला रहना चाहिए। तो आप लोगों का पीछे आपने जो गेटअप रखा बहुत ही अच्छा रखा। अब हम जाएंगे पूना, जिसे पूना कहते हैं, जहाँ बहनों की जोड़ी, दो बहनों की जोड़ी कल्पना जागीदार और कामना लोढ़ा, उनके गायन को हम सुनेंगे। पूने शायद कामना लोढ़ा के नाम से लॉगिन किया गया होगा। हाँ, आप लोग अपनी आवाज को सुना दें। आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की? नहीं आ रही है आवाज, नहीं आ रही है। अनम्यूट है लेकिन बहुत कम है आपकी आवाज। आप लोग, हाँ आप लोग की आवाज, आप अनम्यूट हैं लेकिन आप लोगों का वॉल्यूम बहुत कम है, सुनाई नहीं दे रहा है, बहुत ही कमजोर है। ललित जी हम अगला नाम बोल दीजिए प्लीज। नहीं आ रही है आवाज, नहीं आ रही है। तो अब अगला नाम बोल सकते सुनीता, इनका समय स्टार्ट करो अब। नहीं, हम अगला समय, अगले प्रतियोगी पे नहीं जा सकते हैं, आपका समय अब शुरू हो रहा है, जो नियम है वो नियम है, और इस बीच में अगर आप कोशिश कर सकती हैं तो आप करें। सुनीता इनका समय बताओ। आपका समय शुरू होता है अब। आई एम वेरी सॉरी, नियम सबके लिए एक बराबर है और मैं अपने नियम और सिद्धांत से पीछे कभी नहीं जाता हूं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं आपको एक सलाह देता हूं, आप लोग माइक निकाल लें और ऑडियो के साथ डायरेक्ट मोबाइल पे आप गाएं या लैपटॉप पे गाएं। एक सलाह मैं आपको जरूर देता हूं जिससे आपको निराशा नहीं हो, क्योंकि हम एक्स्ट्रा समय नहीं दे पाएंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं नहीं समझ पा रही हूं कि क्यों नहीं आवाज आ रही है। मैंने सब कुछ ठीक कर रखा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है।
कुछ भी नहीं आ रही है, जीरो। बहुत कम आ रही है, बहुत कम आ रही है आपकी आवाज, बहुत कम आवाज आ रही है, आपको वॉल्यूम बढ़ाना होगा। एक माइक निकाल कर एक माइक पर ही गाइए, एक ऑप्शन और दे रहा हूं मैं। म्यूजिक ऑन कीजिए, म्यूजिक ऑन कीजिए। अब आई आवाज? नहीं, नहीं आ रही है। आपका लैपटॉप या मोबाइल जिससे आप कनेक्ट हुई है उसी में प्रॉब्लम है। किसी दूसरे से आपने लॉगिन किया हुआ है तो उसमें कन्वर्ट हो जाइए, अगर दूसरे पे लॉगिन किया हुआ है। बाकी प्रतिभागियों को भी मैं ये बात कहूंगा कि आप अपने दूसरे डिवाइस पे भी लॉगिन करके रखें, आप अपने ईयरफोन को भी लगा के यूज कर सकती हैं। ईयरफोन, हेडफोन, ईयरफोन लगाइए आप, ईयरफोन लगा के उसके माइक से गाइए आप, अगर संभव हो सकता है तो ईयरफोन लगा के उसके माइक से गाइए। अब आ रही है आवाज? आ रही है, बिल्कुल आ रही है, कंटिन्यू रखिए। मन क्यों तू इधर तक कर काम हो, कहाँ चली गई, दूसरी जगह जाना है, काम काम नहीं है, काम ना। दूसरा गाना चला गया तेरा, से दब गया, तो देख के उसको बदल देना फौरन। अभी आपकी आवाज आ रही थी जब आप लोगों ने, यस मन क्यों बहकारी बहका आधी रात को, बेला में बेला बहकारी बहका आधी रात। कल्पना जी सॉरी, कामना जी सॉरी, आप लोगों का समय समाप्त हो गया, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। आप लोग बहुत अच्छा गाती हो, मुझे पता है, आप लोग ने पहले भी प्रतियोगिता में भाग लिया था और रिहर्सल में भी आप लोगों ने बहुत अच्छा गाया था, और मैं लगातार मैं कहते जा रहा हूँ कि आप किसी भी प्रतियोगिता को हल्के में नहीं लें, लगातार रिहर्सल करते जाएं, घर पे अलग अलग डिवाइस पे आप गाते जाएं, अपने परिवार वालों को अपने साथ जोड़ के आप सुनाएं, और कहीं ना कहीं ये कमी आप लोगों की तरफ से रह गई। मुझे बहुत बेहद अफसोस है कि जब तक आपका ऑडियो ठीक हुआ आपका म्यूजिक नहीं साथ दिया, और जब तक शुरुआत आप करते आपका समय समाप्त हो गया। रियली आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पर नियम नियम होते हैं, ये सब के लिए बराबर है, और इसमें कहीं कोई, मारवाड़ी का एक शब्द है दो भाग, कहीं भी दो बार नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, ये मेरा सिद्धांत है, मेरा प्रिंसिपल है, सॉरी अगेन। तो अब हम चलते हैं, हमारे पास में जो नाम आया है कृति विशाल और सुशील गंगवाल औरंगाबाद, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा कि दो नाम किसका टेन्योर है निकालने का, रेनू या सबिता, आप देखें दो नाम। हाँ, रेनू पे ले जाएं। राशि जैन और रीमा जैन भिलाई। राशि जैन और रीमा जैन भिलाई। भिलाई नेक्स्ट है हर्षद जैन
और ज्योति जैन मुंबई। तो अब हम चलते हैं किति विशाल पाटनी और सुशील गंगवाल औरंगाबाद। जी जी जी। थोड़ा सा इको आप लोग कम कीजिए। जी। हमें लगता है इको ज्यादा है। हेलो। हाँ अब एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। हाँ सुनीता आपका काम शुरू कीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। तेरे मेरे मिलन की ये रहना, ओ तेरे मेरे मिलन की ये रहना। नया कोई गुल दिलाएगी, नया कोई गुल दिलाएगी, तब तो चंचल है तेरे रहना। देखो ना तेरे तेरे बादल में खेलेगा वो तेरे आंचल में। देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना। तुझे थामे कई हाथों से, मिलूंगा मध भरी रातों में। तुझे थामे कई हाथों से, मिलूंगा मध भरी रातों में। आप दोनों का समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के पॉइंट्स भी लॉक हो गए। आप लोगों ने जो गायन किया वो समाप्त हुआ। अब हम चलेंगे भिलाई, राशि जैन और रीना जैन।
शायद मैं भूल रहा हूँ, भाभी और ननद की जोड़ी है, पता नहीं आने से पता चल जाएगा, राशि जैन और रीना जैन भिलाई। हाँ मैंने जो कहा, जय जिनेंद्र, मैंने जो कहा सही कहा ना? जी आपने बिल्कुल सही कहा, राशि जैन रीना जैन ननद भाभी जोड़ी। भाभी कौन है और ननद कौन है? मैं भाभी हूँ, ये ननद है। ठीक है, तो आप लोग की आवाज भी ठीक है, और जो सुनीता अब आपका समय हो रहा है। आपका समय शुरू होता है अब। आवाज आप लोग की कट रही है, आवाज कट रही है, म्यूजिक भी कट रहा है। अगर मेरी आवाज जा रही है तो ध्यान दें, आवाज कट रही है, आप दोनों की आवाज भी कट रही है, म्यूजिक भी कट रही है। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी, तुम्हें हरों का किसको किसने हरों तुम्हें पाती। आप लोग थोड़ा मोबाइल के नजदीक आ जाएं, मोबाइल के नजदीक आ जाएं। हाँ नजदीक आके गाएं। La 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 मैं अंतिम रिमाइंडर दे रहा हूँ, आप लोग की आवाज कट रही है, आप लोग की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, मैं म्यूजिक आ रही है। चलिए आप लोग का समय समाप्त हुआ, और पहले मैं देख लूं कि आप लोग के पॉइंट्स लॉक हुए कि नहीं। हाँ आपके पॉइंट्स लॉक हो गए, अब मैं जरूर कमेंट दूंगा। राशि जैन रीना जैन, आप लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत तैयारी की, लेकिन जो बेसिक चीज थी
उसमें आप लोग मिस कर गए। डांस भी करना चाहिए था, लेकिन एक चीज का ध्यान आप लोगों ने नहीं रखा कि एक गायन प्रतियोगिता है। आप लोगों ने बहुत अच्छा डांस किया, बहुत अच्छे डांस के साथ आपका बैकग्राउंड, जो आपका ड्रेस सेंस था, सारा चीज बहुत अच्छा था। आपके पॉइंट्स लॉक हो गए इसलिए मैं इतनी बातें कह रहा हूँ, लेकिन जो बेसिक चीज थी, जो ये प्रतियोगिता है, ये गायन प्रतियोगिता थी, और गायन प्रतियोगिता में गाने के अलावा बाकी चीजों पे ध्यान देना था, लेकिन मूल चीजों पे आप लोग ध्यान नहीं देके बाकी चीजों पे ध्यान दे दिए। आपका इंटरनेट भी कट के आ रहा था, मैंने आप लोगों से पूछा भी था ऑडिशन के दौरान भी और रिहर्सल के दौरान भी कि आप डेटा पे यूज कर रही हैं या वाईफाई, तो आप लोगों ने कहा था डेटा, तो मैंने कहा था कि वाईफाई आप दुरुस्त करा लें, तो आप लोगों ने मुझे हाँ बोला। मैंने ये भी कहा था कि आप लोग जो प्रेजेंटेशन देंगी, मुझे पता है शायद थोड़ा डांस करके देंगी, तो लैपटॉप पे दीजिएगा, वो भी आप लोगों ने मोबाइल पे दिया। एनीवे जो भी हो, अब ऐसे आपके पॉइंट्स लॉक हो गए हैं, जजों ने क्या नंबर दिया है मुझे नहीं पता। और अब हम जाएंगे सॉरी पति पत्नी के जोड़े मुंबई हर्षद और जैन और ज्योति जी के पास में। उसके पहले मैं चाहूंगा कि सविता आप अगले दो नाम बता दीजिए। जय कुमार जी काला एंड मुकेश जी काला, कोलकाता जेके मसाला। एक नाम आप सविता और बोल रही थी, संचित जैन एंड सुशील जैन, बैरमपुर वेस्ट बंगाल। तो अब हर्षद जी और ज्योति जी, पति पत्नी का जोड़ा, और काफी कसमें वादे खाते हैं ये लोग, आज देखते हैं क्या होता है। आवाज आ रही है हमारी आपको? एकदम आ रही है, सही आ रही है। चलो स्टार्ट। म्यूजिक देख लें? हाँ दिखा दीजिए, म्यूजिक भी अगर आप सुनाना चाहें तो सुना दीजिए। ठीक है आपका समय शुरू होता है अब। वादा कर ले साजना, वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे हो के जुदा। ये वादा रहा मंजिल है तू, मैं हूँ लहर और साहिल है तू, जीवन भर साथ निभाए, जीवन भर साथ निभाए। वादा कर ले जाने जा, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न रहे हो के जुदा। ये
जब से मुझे तेरा प्यार मिला अपनी तो है बस यही दुआ हर जन्म यूं मिल के रहेंगे हर जन्म यूं मिल के रहेंगे का समय समाप्त हुआ ना होंगे जुड़ा आप लोग का समय समाप्त हुआ और जज जज ने आप लोगों को पॉइंट्स भी दे दिए हैं और अभी तक मैं अगर बोलूं तो मैं पॉइंट से अलग हटके बात कर रहा हूं कि अभी तक मैं मुझे आप लोगों का जो बिना माइक के भी आप लोगों का जो आप लोगों ने गाया जो क्लियर आवाज आई जो म्यूजिक भी क्लियर आया ये जो संयोजन आप लोगों ने किया ये बहुत अच्छा संयोजन किया। बाकी प्रतिभागियों को इससे निश्चित रूप से सीखना चाहिए कि बिना माइक के भी और कैसे हम अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं कोलकाता की ओर पिता पुत्र की एक ऐसी जोड़ी की ओर जय कुमार काला मुकेश काला। जय कुमार जी 70 साल के हैं। जय कुमार जी के ऊपर मैं कैमरा स्पॉटलाइट करें संचय जय कुमार मुकेश काला और 70 साल की उम्र में भी मतलब ऐसे तो हमारे लिए निश्चित रूप से सभी प्रतिभागी बराबर हैं लेकिन जेके मसाले जो भारत की सबसे बड़ी ब्रांड कंपनी है मसाले में उसके चेयरमैन हो के भी मतलब मैं इनसे कई बार पूछता हूँ कि आप अपने इस शौक को जिंदा कैसे रखते हैं तो इनका कहना है कि इसी शौक के कारण ही तो मैं अभी तक जवान हूँ। 70 साल की उम्र में अपने को जवान समझते हैं और वाकई ये सबको सीखना चाहिए कि उम्र कुछ नहीं होती है उम्र तो एक अंक होता है और हार जीत से अलग उठकर अपने शौक को जिंदा रखना ये बहुत बड़ी बात है। तो जय कुमार जी और मुकेश आप अपने ऑडियो को सुना दें। जय जिनेंद्र ललित भाई साहब की टीम को जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र आवाज आ रही है बिल्कुल सही आवाज आ रही है और सुनीता थोड़ा दिखाई देने में कम नहीं दिख रहा है क्या इनका ये पीछे ये पोस्टर दिखा रहे हैं पोस्टर कट जाएगा ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। अच्छा ये पोस्टर फिर इनका कट जाएगा तो अब आप सुनीता इनका समय बताएं। आपका समय शुरू होता है अब।
आप लोग का समय समाप्त हुआ और मैं पहले इंतजार कर लूं कि आपके नंबर लॉक हो जाएं, उसके बाद ही मैं मेरा कहना कुछ उचित होगा। हाँ जी, आपके नंबर लॉक हो गए। आप लोगों ने तो जोश भर दिया लोगों में, जय कुमार जी और मुकेश, आपके नंबर लॉक हो गए। मुझे नंबर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मैं आपके परफॉर्मेंस पे कह रहा हूँ कि अभी जैसा कि वो भिलाई से उन लोगों ने काफी मेहनत की थी, राशि जैन और रीना ने, लेकिन उन लोगों का ध्यान केवल परफॉर्मेंस पे ही केंद्रित हो गया था, डांस पे। उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की थी, लेकिन मूल रूप से गाने से वो भटक गई थी, डाइवर्ट हो गई थी। उनके भी नंबर लॉक हो गए हैं। और आप लोगों ने गाने के पे ध्यान दिया और प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान दिया। मैं चाहता हूं कि आगे आने वाले प्रतियोगी इन सब चीजों पे ध्यान दे। हार जीत तो लगी रहेगी, किसी दस को ही निकालना है, किसी दस को ही निकलना है। इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी के ऊपर में मेरे कमेंट नहीं होते हैं और ना मैं करता हूँ, लेकिन मेरा मकसद एक ये होता है कि जिनकी अच्छाई होती है उनको इसलिए मैं बोलूं कि दूसरों को भी इससे प्रेरणा मिलनी चाहिए। तो अब हम चलेंगे बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला के
बहरमपुर जहां संजीत और सुशील जैन की दोस्तों की जोड़ी इंतजार कर रही है, पर उसके पहले रेनू आप दो नाम बता दें। प्रमोद कुमार जैन, रेखा जैन, बगाई गांव। योगिता ओस्तवाल, नथमल गुजरानी, नासिक। तो अब हम आ गए हैं बहरमपुर, जहां पर दो दोस्तों की जोड़ी कर रही है, संजीत जैन और सुशील जैन बहरमपुर से। आप लोग अपनी आवाज को सुना दें एक बार। हेलो हेलो हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है? संजीत जी जरा सा इको कम कीजिए, जरा सा इको कम कराइए। ठीक है, हेलो। हाँ हेलो, हाँ ठीक है, एकदम सही है। और सुनीता अब आप बोलो। हेलो 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 हेलो, आपकी आवाज फिर इको बढ़ गया है। अभी जिन्होंने हेलो लास्ट में बोला है उनके आवाज में इको वापस बढ़ गया है। सुनीता अब आप 15 मिनट 15 सेकंड निकल गए हैं, अब आप अपना समय बोलिए। आपका समय जो होता है आप। रोते हुए आते खिसके, रोते हुए आते खिसके, हंसता हुआ दो जाएगा। जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं संग, ऐसा हुआ तो जाएगा। थोड़ा सा म्यूजिक कम करा दीजिए, थोड़ा सा म्यूजिक कम कर लीजिए, थोड़ा सा म्यूजिक। यादा जिसने जुल्म से जीता जहां, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां। प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमान। जो सितारों पर कहानी प्यार की दिखलाएगा। जाने मन कहलाएगा। रुके हुए आती है सब, हंसता हुआ हो जाएगा। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है अपनी, साथ ले कर जाएगी। मर के जीने
की अदा को दुनिया को सिखलाएगा जो मुकद्दर का सिकंदर हो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा रोते धूमे आते हैं सब हंसता हुआ हो जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने प्रयास अच्छा किया पहले मैं देख लेता हूं कि जजेज आपको क्या पॉइंट्स दे रहे हैं एक जजेज के आगे दूसरे के भी आगे तीसरे के भी आगे नंबर क्या है ये मुझे नहीं पता आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की हंगामा बरपाया थोड़ा सा म्यूजिक आप लोगों का बहुत ज्यादा लाउड था म्यूजिक और माइक को भी आप लोग थोड़ा नजदीक लेके आप गा रहे थे जिससे आवाज बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आ रही थी और म्यूजिक थोड़ा सा लाउड था बाकी जजेज ने आपके गाने को सुना है आपको पॉइंट्स दे दिया है अब हम चलेंगे असम के बगाई गांव में जहां पति पत्नी का एक जोड़ा हमारा इंतजार कर रहा है प्रमोद जैन रेखा जैन और उसके बाद महाराष्ट्र के नासिक जाएंगे जहां ससुर और बहू इनका जोड़ा भी हमारा इंतजार कर रहा है तो पहले चलते हैं बगाई गांव प्रमोद जैन और रेखा जैन अपनी आवाज सुनाते हैं आप आप लोग पहले अपनी आवाज सुना दें अपना नाम बोले प्रमोद जैन बंगाई गांव से रेखा जैन बंगाई गांव से एकदम ठीक है आप लोग की आवाज सुनीता आप अपना काम शुरू करें आपका समय शुरू होता है अब जिंदगी और कुछ भी नहीं
तेरी मेरी कहानी है। तू धार नदियाँ की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, इसे प्यार का मतलब है। आप लोग का समय समाप्त हुआ और जजेज ने आप लोगों को पॉइंट्स भी दे दिए हैं। पति पत्नी का जोड़ा कितना सेंटिमेंटल होके गाना गा रहा था और पॉइंट्स तो जो जजेज ने आपको दे दिए हैं वो दे ही दिए हैं। अब मैं कैमरा स्पॉटलाइट करने के पहले मैं नाम बता देता हूँ, उसके पहले मैं चाहूँगा योगिता ओसतवाल और नथमल जी गुजरानी नासिक के ऊपर हम जाएंगे, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा कि सविता आप दो नाम हमें बता दें। प्रांति जैन एंड दीक्षा जैन गंज बसोदा। सचिन जैन एंड आदित्य जैन आस्था। मेरे सामने में खड़े हैं नासिक से योगिता ओसतवाल और नथमल जी। नथमल जी के बारे में मैं जरूर दो शब्द बोलना चाहूंगा जिसे प्रतियोगिता से पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। नथमल जी ने हमारी एक प्रतियोगिता में भाग लिया था, शायद ये 75 इयर्स के हैं, और जिस दिन सेमीफाइनल हुआ था या शायद उस दिन उसके एक दिन पहले इनके ट्यूमर का माथे में ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन हॉस्पिटल से इन्होंने एक दिन पहले मुझे फोटो भेजी कि मैं इसके बावजूद भी सेमीफाइनल में गाना गाऊंगा। डॉक्टरों ने मना भी किया लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मेरे लिए ये प्रतियोगिता बहुत मायने रखती है। ऐसे प्रतियोगियों की हम लोग वाकई इज्जत करते हैं, उनको सलाम करते हैं जो प्रतियोगिता को इतनी गंभीरता से लेते हैं कि जिस व्यक्ति का माथे का ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है एक दिन पहले वो व्यक्ति सेमीफाइनल में गाना गाते हैं। थैंक यू, बहुत बढ़िया। और आज इनकी बहू भी साथ में है योगिता, और देखते हैं कैसा गाती हैं। आप दोनों अपनी आवाज को एक बार बोलें। जय जिनेंद्र सर मेरी आवाज आ रही है हेलो जय जिनेंद्र सर मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा इको है आपकी आवाज में, कुछ इको को कम कराइए आप। और आप नथमल जी आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज हाँ आपकी आवाज सही है। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सुनीता आप अपना काम शुरू करें। आपका समय शुरू होता है अब। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी
गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंदिर है कहीं बीते नए रहते कहीं बीते नए दिन कहीं बीते नए रहते कहीं बीते नए दिन प्यार करने वाले हर प्यार ही करेंगे जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे प्यार करने वाले हर प्यार ही करेंगे जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे मिलके जो धड़के हैं दो दिल हरदम ये कहेंगे कहीं बीते ना कहीं बीते ना ये रातें कहीं बीते ना ये दिन आपकी आवाज म्यूजिक चला गया आप दोनों की आवाज और म्यूजिक दोनों ही चला गया गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल कहीं बीते नए रास्ते थैंक यू आप लोग का गाना समाप्त हुआ समय के पहले ही आप लोग का गाना समाप्त हो गया और मैं पहले देख लेता हूं कि आपके पॉइंट्स कितने लॉक हो रहे हैं आपके नंबर लॉक हो गए और मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि नथमल जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं आप हार जीत से ऊपर उठकर हर प्रतियोगिता में भाग लेते हैं आप जज्बा रखते हैं आप 75-78 साल की उम्र में भी आप रेस में हैं ये बहुत बड़ी बात है मुझे व्यक्तिगत रूप से ये प्रेरणा देती है कि आदमी को इंसान को चाहे वो महिला हो या पुरुष हो उसको अपनी रेस कभी नहीं छोड़नी चाहिए मैं व्यक्तिगत तौर पे आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ आप कैसा गाते हैं क्या गाते हैं उससे कोई फर्क नहीं मिलता लेकिन मैं आपसे प्रेरणा लेता हूं बहुत बहुत धन्यवाद आपके नंबर यूं तो लॉक हो गए जजों ने क्या नंबर दिया मुझे नहीं पता और अब हम चलते हैं गंज बसोदा जहां पर एक जोड़ी शायद सहेलियों की है या बहनों की है मैं भूल गया प्रांसी और दीक्षा गंज बसोदा वहां चलते हैं और उसके बाद सचिन और आदित्य आस्था से तैयार रहेंगे यस
थोड़ा सा एक की आवाज में इको है। रांचित तुम बोलो। जय जिनेन्द्र, तुम्हारी आवाज में भी इको है, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओ जी। और दीक्षा तुम बोलो। जय जिनेन्द्र सभी को। तुम्हारी आवाज में भी इको है, दोनों की आवाज में इको है, दोनों को ही इको थोड़ा सा कम करना जी। जय सुनीता, अब ठीक है सर? अब ठीक है सर? अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। सुनीता तुम बोलो। आपका समय शुरू होता है। प्रांशी और दीक्षा, तुम्हें जज लोग क्या नंबर देते हैं ये तो मेरे को नहीं पता। ऐसे तुम लोगों के नंबर आ भी चुके हैं, तुम लोगों के नंबर लॉक भी हो गए, लेकिन एक बात बताओ, तुम लोग ये जो ड्रेस
तुम लोग ऑडिशन में भी आई एक सा ड्रेस था, रिहर्सल में भी आई एक सा ड्रेस था, आज सेमीफाइनल में भी आई एक सा ड्रेस, मजा आ गया। ये चीज मेरे को बहुत अच्छी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, ये चीज मेरे को बहुत पसंद आई। तुम लोगों के पॉइंट्स क्या है ये तो जजेस जानते हैं, मुझे नहीं पता। एनीवे बहुत बहुत शुभकामना, और अब हम आगे बढ़ेंगे। सचिन और आदित्य जैन आस्था से, लेकिन उसके पहले रेनू आपके पास शायद अब दो नाम बचे हैं। हम सेमीफाइनल प्रतियोगिता धीरे धीरे समाप्ति के ऊपर में है, तो रेनू हमें दो नाम बता दो। निकिता पहाड़िया, संतोष जी पहाड़िया, बहरमपुर। ऋषि राज जैन, चहल जैन, हजारीबाग। अच्छा एक बार मैं चाहूंगा कि सविता के ऊपर में भी एक बार कैमरा ले जाके, सविता ये बताना कि कोई पूजी बच्ची किसी का नाम बचा है? नहीं सर, मेरे पास 10 पार्टिसिपेंट का नाम थे जो मैंने कॉल कर दिया, पूरे हो गए, और रेनू की तरफ से भी पूरे हो गए। ठीक है, अब कैमरा सचिन और आदित्य आस्था उनके ऊपर फोकस किया जाए। हेलो, हाँ सचिन आवाज आ रही है और आदित्य की बोल, हेलो बोल, हेलो। अरे गुरु चेला, हेलो गुरु चेला को डांट के क्यों बोलता है, बोल हेलो बोल, चेला है तो हेलो बोलो, हेलो हेलो। ठीक है चलो ओके, ठीक है। और ठीक मैं देख रहा हूँ कि पूरे वाद्य यंत्रों के साथ वाकायदा हारमोनियम, ढोलक, तबला, वेरी गुड। तो अब थैंक यू, थैंक यू। अब आप अपना काम शुरू करें। आपको वॉइस आ रही है मेरी प्रॉपर क्लियर? एकदम आ रही है। हाँ हाँ आ रही। ठीक ठीक ओके। आपका समय शुरू होता है अब। रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है, लाई लाई लाई, रंग तेरी जीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चून रे आल रे
तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा माई रे माही रे मुझसे रूठी मेरी परछाई तेरी परछाई मेरा ख्याल माई तेरी सुनरिया लहराई जीना जीना रे उड़ा निकाल दे। चलिए निकालना नहीं है, निकाल तो दो। पहले मैं देखना चाहूंगा कि क्या पॉइंट्स आप तुम दोनों को जजेस क्या पॉइंट्स लॉक करते हैं, पहले मैं वो देख लेता हूं, उसके बाद जरूर मैं कमेंट करूंगा। सचिन, आदित्य, मैं तुम लोगों के गायन के ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन तुम लोगों ने जो स्वयं वाद्य यंत्रों को बजाया और उसके साथ जो गाया और जो ट्यूनिंग की, ये काबिले तारीफ। जजों को तुम दोनों की आवाज कैसी लगी, क्या उन्होंने नंबर दिए मैं नहीं जानता, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से और खासकर आदित्य के लिए बार बार मैसेज आ रहे थे कि छोटे मियाँ छोटे उस्ताद वाह वाह छोटे मियाँ वाह वाह, बहुत मेहनत की है तुम लोगों ने इस प्रेजेंटेशन को देने के लिए, प्रतियोगिता को प्रतियोगिता तुम लोगों ने समझा है, वेरी गुड। बाकी पॉइंट्स क्या जजेज ने दिए हैं मैं नहीं जानता। एनीवे, अब हम आगे बढ़ेंगे, दो नाम हमारे पास रह गए हैं और एक नाम अब वही ससुर जी और बहू का रिश्ता है, बहरमपुर मुर्शिदाबाद जिला बंगाल से निकिता पहाड़िया और संतोष पहाड़िया, और उसके बाद अंतिम जो प्रतिभागी हैं हजारीबाग झारखंड से ऋषिराज और चहल पिता और पुत्री का जोड़ा। तो हम चलते हैं बहरमपुर, कितना आनंद आ रहा है, इंटरनेट हमें कहां कहां ले जा रहा है, यही तो इंटरनेट हमें सुविधा दिया है कि हम तुरंत कहीं से कहीं चले जाते हैं। हाँ, आप दोनों अपनी आवाज सुना दें। जय जिनेंद्र सभी को। जी संतोष जी, आप भी कुछ बोले। मैं एक वॉइस टेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है? नहीं, आपको 15 सेकंड का मौका मिला है, इसी में हम आपकी आवाज को सुन लिए हैं। तो वही बोलना ना। हाँ। मेरे ये, अभी अभी आप रुक जाए, अभी आप रुक जाए संतोष जी, अभी अभी आप रुक जाए, आपका समय जब शुरू बोला जाएगा। नहीं संतोष जी, मैं 15 सेकंड से ज्यादा आपको समय नहीं दे सकता, नियम सबके लिए बराबर है। ओके। नियम सबके लिए बराबर है। हाँ, ठीक है। मुझे आपकी आवाज सुननी थी, वो सुन ली। आपका समय शुरू होता है अब। प्ले करिए आप। टाइम स्टार्ट हो चुका है, 30 सेकंड निकल गया। टाइम स्टार्ट का बोल दिया गया है, 30 सेकंड निकल भी गए हैं। Oh
संतोष जी आपकी आवाज पहले बेहतर आ रही थी बिना माइक के। संतोष जी की आवाज नहीं आ रही है, संतोष जी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मेरी सलाह है बिना माइक के ही आप लोग गाना गाइए, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चलने दे, बिना माइक के ही आप लोग गाना गाइए, वो ज्यादा बेहतर है। निकिता मेरी अगर आवाज आ रही है तो बिना माइक के ही गाना गाओ, दोनों बिना माइक के ही गाना गाओ। समय समाप्त हुआ और आप लोग का समय समाप्त हुआ और मेरी बात को आप लोगों ने सुना नहीं, और मैं पहले भी ये बात बोला था कि आप लोग एक अन्य डिवाइस से भी आप लोग जो है कनेक्ट होके रहिए, जिससे मैं आपके परफॉर्मेंस में अगर कोई गड़बड़ी हूँ मैं बोलूँ तो वो सुने और वो आपको बताए। आप लोग ने जब बिना माइक का जय जिनेंद्र बोला था तो आपकी आवाज़ एकदम क्लियर थी, और माइक से जब आप लोगों ने गाना शुरू किया माइक से आपकी आवाज़ पूरी कट कट के आ रही थी, और मैंने नैतिकता के नाते 3 बार आप लोगों को चेतावनी भी दी कि आप लोग की आवाज़ नहीं आ रही है, पर आप लोगों ने मेरी आवाज़ को सुनी नहीं। खैर अब जजों ने जितनी आपकी आवाज़ को सुना है उन्होंने अपना काम कर लिया है, और अब आज की प्रतियोगिता के अंतिम पड़ाव पर हम झारखंड जाएंगे, हजारीबाग, जहां पर पिता पुत्री की जोड़ी ऋषि राज और चहल जैन के गायन को हम सुनेंगे। आप लोग अपनी आवाज सुना दें। जय जिनेंद्र। हाँ, माइक को थोड़ा सा दूर रखें, इको वगैरह सही है लेकिन माइक को नजदीक नहीं लाएंगे, थोड़ा सा 2-3 इंच माइक को दूर रख के गाएंगे तो आवाज पूरी क्लियर आएगी। हाँ सुनीता अब आप बोले। आपका समय शुरू होता है अब। ते जाते हंसते गाते सोचा था मैंने मन में कई बार, वो पहली नजर
हल्का सा असर करता है क्यों इस दिल को बेकरार। रुक के चलना, चल के रुकना, ना जाने तुम्हें है किसका इंतजार। तेरा वो यकीन कहीं मैं तो नहीं, लगता है यही क्यों मुझको बार बार। यही सच है शायद मैंने प्यार किया, हाँ हाँ तुमसे मैंने प्यार किया। थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक बढ़वाइए आप, बैकग्राउंड म्यूजिक बढ़वाइए। आप लोग के भी नंबर लॉक हो गए हैं और 20 प्रतियोगियों ने गाना गाया, 3 घंटे हो गए, पता ही नहीं चला। इतनी मधुर आवाज लोगों की, गायकों की, गायिकाओं की सुनने को मिली। जो ऑडिशन हमने सुना, हमें उसी समय एहसास हो गया था कि हम साथ साथ हैं, हंगामा मचाएगी, और ऐसा ही हो रहा है। मैं इतना जानता हूं कि 200 प्रतियोगियों ने अपनी तरफ से काफी मेहनत की है, किसी को टेक्निकल प्रॉब्लम साथ नहीं दिया, और किसी टेक्निकल प्रॉब्लम ही मैं बोलूंगा कि किसी की म्यूजिक उसको साथ नहीं दिया या किसी का इंटरनेट उसको साथ नहीं दिया। लेकिन अब जो 10 लोग चुन के आएंगे, 10 जोड़ी जो चुन के आएगी, वो निश्चित रूप से फाइनल में हंगामा मचाएगी। ये अद्भुत प्रतियोगिता होगी फाइनल की, क्योंकि जजेज ने जो पॉइंट्स दिए हैं और जो अब कैलकुलेट हो रहे हैं, कांटे की टक्कर चली है। और इससे ये पता लगता है कि जब उन 10 प्रतियोगियों के नाम आएंगे तो उन्हें बहुत मेहनत करनी होगी। अब यहाँ पे हम 5-7 मिनट हम लेंगे, क्योंकि सारे प्रतियोगियों के पॉइंट काउंट हो रहे हैं। इस बीच में जो हमारे 3 जज हैं, हम उनकी ओर बढ़ते हैं, उनके गायन को भी सुनेंगे, और 10 जो प्रतियोगी हैं, जो जोड़ीदार हैं, उनके नामों की घोषणा भी हम करेंगे। मैं सबसे पहले जाऊंगा राकेश काला गुवाहाटी। अच्छा, अशोक जी आ गए हैं, कोई बात नहीं,
अशोक जी बताइए, थिएटर की दुनिया से आप आए हैं और आपने आपकी आवाज नहीं आ रही अशोक जी। हाँ जी, अब आ गया। हाँ आप बताएं अशोक जी, कैसा लग रहा है, क्या सुना, क्या अनुभव रहा आपका? जैसा आपने कहा ना कि 3 घंटे हो गए, पता ही नहीं चला, तो वाकई पता नहीं चला कि 3 घंटे हो गए। सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब जाहिर है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स इंटरनेट में हो जाती हैं, हर जगह नेट सही नहीं रहता है, कुछ समस्या आती है, तो उसका कुछ कर नहीं सकते हैं वो। सबने कोशिश बहुत अच्छी की और कुछ लोग तो कमाल के थे, बहुत मजा आया, बहुत खूबसूरत रहा। सभी को शुभकामना है, जो भी चुन के जाएं आगे उनको फाइनल के लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। अशोक जी आपने धन्यवाद जी, आपको बहुत बहुत बधाई इस सुंदर आयोजन के लिए। अशोक जी आपको जब मैंने जज बनाया था तो आपने कहा था कि ललित जी 3 घंटे बैठने पड़ेंगे। मैंने आपको कहा था कि आपके 3 घंटे कैसे निकल जाएंगे अशोक जी, आपको पता नहीं चलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, और 3 घंटे आज पूरे हो गए और अशोक जी आपने मार्क्स दिए, आपके मार्क्स आ गए, बहुत मेहनत की है आप लोगों ने, अब हमारे पास में फाइनल मार्क्स आ जाएंगे। अशोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में इतने व्यस्त समय में, क्योंकि मुझे पता है कि आपके ऑनलाइन शोज बहुत हो रहे हैं और ऑनलाइन शोज जो आपके हो रहे हैं आप उसमें भी लगातार बिजी हैं, आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। अब मैं चलूंगा गुवाहाटी राकेश काला के पास में। राकेश जी आप एक गायक हैं और नामचीन गायक हैं, आपकी एक पहचान है, बरसों बरस मेहनत करके आपने अपनी एक अलग पहचान बनाई, एक स्थान बनाया, क्या लगता है आपको? देखिए सभी ने बहुत अच्छा गाया, सभी ने, बस इंटरनेट की प्रॉब्लम के कारण बहुत जनों की आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, कुछ की एकदम भी सुनाई नहीं दे रही थी, तो उसी के कारण उनके कुछ मार्क्स कटे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि 20 के 20 टीम दे वर वेरी सुपर्ब, एकदम बहुत अच्छे थे, बस वो इंटरनेट की ही प्रॉब्लम हुई है जिनके कारण उनके कुछ मार्क्स कटे हैं, या जो 10 जन तो 10 टीम जो फाइनल में नहीं पहुंच पाई वो उनकी जस्ट आज बेड लक है उनका, और आज उनका समय उनके साथ नहीं था या आज उनका दिन नहीं है, बस मैं यही कहना चाहूंगा। अदरवाइज सभी ने बहुत अच्छा गाया, मैं यही कहना चाहूंगा, और 1-2 टीम ने तो इतने लाजवाब परफॉर्मेंस किए कि मजा आ गया, झूमने का मन किया था। तो मैं जैसा आपने भी उसी समय कहा कि ये चीज सीखने की होती है क्योंकि गायकी के साथ परफॉर्मेंस भी होना चाहिए, लेकिन सिर्फ आप परफॉर्मेंस दो और गायकों को भूल जाओ ये भी गलत बात है, क्योंकि ये गाने की प्रतियोगिता है तो गाना तो मेन होना ही चाहिए, साथ में अगर परफॉर्मेंस भी हो तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं, बस मैं यही कहना चाहूंगा और धन्यवाद। थैंक यू राकेश जी, आप अपनी आवाज में एक गाना हमें सुनाइए, हम आपके गाने को सुनना चाहेंगे। चलिए ठीक है, सुना देता हूँ। मैं एक राजेश खन्ना और जिनत मान के ऊपर फिल्माया हुआ फिल्म अजनबी से एक अजनबी हसीना, जो बहुत प्यारा गीत है किशोर कुमार जी का गाया हुआ, वो गुनगुनाने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं कैसा हो और इंटरनेट की शायद मेरे साथ में भी प्रॉब्लम आ जाए, मेरी भी आवाज क्लियर नहीं आए, ये हो सकता है, मैं एक कोशिश करता हूँ। हसीना से क्यों मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये न पूछो, उसने की बात हो गई, कभी हसीना से क्यों मुलाकात हो गई। Thank you.
आपके गाने का तो मैं शुरू से राकेश भाई फैन हूँ और मुझे तो आपकी गायकी बहुत ही अच्छी लगती है। कई बार मेरे को लगता है कि किशोर कुमार गा रहे हैं क्या। अब हम आलोक जी आलोक के पास चलेंगे और आलोक के व्यू को हम जानेंगे कि कैसा लगा। आलोक आप हमें बताएं कैसा लगा। सभी को मेरा पुनः सादर जय जिनेंद्र, मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं शुरुआत इस बात से करना चाहूंगा कि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली थी। मुझे लग रहा था कि मैं कैसे क्या कर पाऊंगा, बट ये इतना शानदार प्रोग्राम रहा, इतना शानदार प्रोग्राम रहा कि मैं पूरा का पूरा तरोताजा हो गया हूँ। बिना कोई दवाई लिए मैं पूरा दुरुस्त हूँ और इसलिए मैं कहता हूँ कि संगीत मेरे लिए मेडिटेशन और मेडिकेशन दोनों का काम करती है। मेरे लिए एक बहुत बड़ी साधना है, ये मनोरंजन का साधन नहीं है। तो मुझे बहुत आनंद आया और मेरी नजर में 20 के 20 सिलेक्टेड है फाइनल के लिए, कोई कम नहीं था। अगर आज कुछ कमी रही तो नेटवर्क की थी, आपकी कोई कमी नहीं थी, आपके परफॉर्मेंस की कोई कमी नहीं थी। एक से एक बढ़कर के जोरदार से जोरदार परफॉर्मेंस देखने को मिली और उस उम्र में जिस जज्बे से लोगों ने गाया है, सलाम है सबको, हैट्स ऑफ टू एवरीवन। बहुत आनंद आया, मतलब मुझे खुशी है, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि थैंक यू ललित भाई साहब कि आपने मुझे कार्यक्रम का एक पार्ट बनाया, किस्सा बनाया।
बहुत आनंद आ गया। जीवन का एक अनमोल क्षण है, एक अनमोल याद है मेरे लिए। तो आलोक आप एक गाना अपनी तरफ से हमें सुनाएं। जी मैं एक्चुअली आज आपसे माफी चाहना चाहता थी, मैं आज तबीयत ठीक नहीं है, कुछ नहीं गा पाऊंगा। कोई बात नहीं, अच्छे परफॉर्मेंस देख करके मैं जरूर गाऊंगा, जरूर गाऊंगा। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मजा वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मजा वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। समय बड़ा अनमोल है, समय और संबंध ही हमारे जीवन की असली पूंजी है। बहुत ही सुंदर ये पंक्तियां हैं, सुनिए। बस जड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से मिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। सुनो दोस्तों शक दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में से घर बनाने ना दो। कल तड़प ना पड़े याद में जिंदगी, रोक लो उठ कर उनको जाने ना दो। बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। थैंक यू सो मच। आपने तबीयत खराब होने के बावजूद भी आपने गाया और जज के रूप में आप शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहिए। अब बहुत वक्त हो गया है, 10:15 बज गए हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट जो 10 जोड़ीदार चुन के आए हैं मैं उनके नाम बता देता हूँ। और हमारे यहाँ एक नियम है, वो नियम मैं आज रिपीट कर देता हूँ कि हम 10 प्रतियोगी के नाम बताते हैं और बाकी 10 जो नहीं चुने गए और जो 10 चुने गए हम अंक कभी नहीं बताते, क्योंकि ये हमारे अपने सिद्धांत हैं। और जो 10 नाम चुने गए हैं ये 10 नाम हमारे लिए सारे के सारे बराबर हैं, इसमें नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ऐसा नहीं होता है, और हमारे लिए 10ों ही बराबर है। इसलिए हम जो भी नाम बोल रहे हैं हम सीरियली नहीं बोल रहे हैं, जो हमारे पास जो 10 नाम आया है वो 10 नाम हम आपको बताते चले जाते हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार अनम्यूट कर दिया जाए सभी को। जैके जय कुमार काला और मुकेश काला अगर वो हैं तो एक बार उनके ऊपर मैं कैमरा फोकस, सचिन हाथों हाथ आप करते जाएं। जय कुमार जी और मुकेश, आपकी जोड़ी टॉप 10 में आ गई है, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, आप टॉप 10 में आ गए, पिता पुत्र की जोड़ी। चलिए अब फाइनल में आप लोग क्या दिखाते हैं, अब हमें ये देखना है। सचिन और छोटू, आदित्य, आस्था, सचिन और आदित्य टॉप 10 में आ गए हो छोटू, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। थैंक यू। गंज बसोदा से प्रांसी और दीक्षा, प्रांसी और दीक्षा चली गई दोनों सहेलियां। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम लोगों को, तुम लोग टॉप 10 में आ गई हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और फाइनल में अब तुम लोग क्या अपनी प्रस्तुति देती हो हमें यह देखना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहरमपुर से संजीत और सुशील जैन, बहरमपुर मुर्शिदाबाद, इनके लिए बार बार कमेंट आ रहे थे, स्टार ऑफ द मुर्शिदाबाद जिला, संजीत और सुशील जैन बहरमपुर, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, और फाइनल की तैयारी में अब लग जाइए। बहरमपुर में भी लग रहा है कि काफी ठंडक पड़ रही है, बहुत बहुत शुभकामना। और हजारीबाग से ऋषिराज और चहल जैन, ऋषिराज और चहल हजारीबाग, पिता पुत्री की जोड़ी, बहुत ही अच्छे ढंग से गाया, थोड़ा सा म्यूजिक वगैरह में कुछ कमी था, ऑडियो में कुछ कमी था, फाइनल में इस कमी को जरूर से जरूर आप लोगों को दूर करना है। और फिर पिता पुत्री की जोड़ी है शैलेंद्र जैन और श्रुति संगी, शैलेंद्र संगी और श्रुति संगी रायपुर, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, पिता पुत्री की जोड़ी खूब हंगामा मचाएगी फाइनल में, मेरे को ये लगता है, जो भी कमी रही हो उस कमी को अब दूर करना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और पति पत्नी का जोड़ा बगाई गांव असम, प्रमोद और रेखा जैन, प्रमोद जी और रेखा जैन, आप दोनों को जय जनेंद्र, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप दोनों फाइनल में आ गए हो। और अब फाइनल अब हम जा रहे हैं झारखंड गिरिडीह, राजश्री और नीता जैन, शुरू में थोड़ी सी गड़बड़ा गई थी लेकिन बाद में इन लोगों ने अपने को संभाल लिया, राजश्री और नीता पाटोदी गिरिडीह, राजश्री और नीता,
ये अर्पित हैं, ये राज राज पाटनी है, राजश्री जैन, राजश्री बड़जाते और नीता, हो सकता है वो लोग आउट हो गई हो। अब सुजानगढ़, फिर पिता पुत्री की जोड़ी है, मुकेश बगड़ा और दिव्या बगड़ा, मुकेश बगड़ा और दिव्या बगड़ा, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत अच्छा गाया दोनों ने, और फाइनल के लिए आप लोग अपनी तैयारी करो आप, और अच्छे से आप लोग फाइनल में अपना प्रेजेंटेशन दो। और अंतिम नाम अब आ रहा है औरंगाबाद से, कीर्ति विशाल पाटनी और सुशील गंगवाल, कीर्ति विशाल पाटनी और सुशील गंगवाल। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई, आप कई बार प्रयास कर रही थी और हर बार कुछ न कुछ आप सेमीफाइनल या फाइनल में आने से रुक जाती थी, इस बार आपने लगातार हिम्मत रखी और आज आप फाइनल में स्थान बना लिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेमीफाइनल यहीं पे समाप्त होता है। मैं फिर से नाम एक बार रिपीट कर देता हूँ, जय कुमार काला, मुकेश काला कोलकाता से, सचिन आदित्य जैन आस्था से, प्रांसी और दीक्षा जैन गंज बसोदा से, संजीत और सुशील जैन बहरमपुर, ऋषि राज जैन और चहल जैन हजारीबाग, शैलेंद्र और श्रुति संघी रायपुर, प्रमोद और रेखा जैन बगाईगांव, राजश्री और नीता जैन गिरिडीह, दिव्या मुकेश बगड़ा सुजानगढ़, कीर्ति पाटनी और सुशील गंगवाल औरंगाबाद। बाकी जो 10 रह गए हैं, उन 10 में सबने अपनी तरफ से निश्चित रूप से बहुत मेहनत की थी, बहुत ही प्रयास किया था, लेकिन जजों का अपना एक अंक देने का एक साधन है। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस हो रहा है मुझे पुणे की कल्पना जागीरदार और कामना जी के ऊपर में, अगर वो हैं तो एक बार उनके ऊपर कैमरा स्पॉटलाइट जरूर करें, उनकी मेहनत बहुत थी और उन लोगों ने ऑडिशन में भी बहुत अच्छा गाया था, रिहर्सल में भी बहुत अच्छा गाया था, लेकिन आज दुर्भाग्यवश उनका इंटरनेट उनको साथ नहीं दिया और उनका प्रेजेंटेशन अधूरा रह गया, शायद वो भी लोग आउट हो गई है, तो कोई बात नहीं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, और अब 29 तारीख को प्रतीक्षा कीजिए फाइनल की, जहां पर इन 10 जोड़ीदारों के प्रेजेंटेशन को आप देखेंगे और काफी आनंद आएगा, काफी मजा आएगा। 29 तारीख को रविवार भी है और शाम के 7 बजे हम सब कोई फिर मिलेंगे। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सबकी जिंदगी बने वाह जिंदगी। जय जय।